ओके तो हम लोग ये टॉपिक कर रहे थे कि हम लोग स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो अभी तक हमने डिस्कस किया डी जनरेट रैंडम वेरिएबल, है ना। सर वॉइस नहीं आ रहा। अच्छा म्यूटेड है। यस सर नहीं आ रहा। एक मिनट हाँ वो म्यूट था, है ना। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, है ना, ये स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें डी जनरेट हमने देखा था, देन बर्नौली बाइनोमियल, नेगेटिव बाइनोमियल। तो लास्ट क्लास में हमने नेगेटिव बाइनोमियल इंट्रोड्यूस किया था कि नेगेटिव बाइनोमियल क्या होता है, इसका इंटरप्रिटेशन क्या है। इसके दो केसेस हैं, एक में हम नंबर ऑफ ट्रायल काउंट करते हैं और दूसरा नंबर ऑफ फेलियर काउंट करते हैं। इसीलिए हमारे पास दो डिफरेंट पीएमएफ है इस रैंडम वेरिएबल के पास, और इसे दो डिफरेंट मीन भी है ना, एक में आर वाई पी होता है मीन, एक में आर क्यू वाई पी होता है। सो फिर करस्पॉन्डिंग वेरियंस दोनों केस में सेम है, आर क्यू वाई पी स्क्वायर, है ना, और एम जी एफ दोनों केस में फिर डिफरेंट है। तो आपको वहां पे क्वेश्चन किस तरह से है उसके हिसाब से अप्लाई करना है कि नंबर ऑफ ट्रायल के केस में एक क्वेश्चन हमने देखा था, एक ही क्वेश्चन लास्ट क्लास में देखा था इस पे, जिसमें क्या था कि वो क्वेश्चन उसमें दोनों यूज किया था, नंबर ऑफ फेलियर वाला भी मीन पूछ रहा था और नंबर ऑफ ट्रायल से भी मीन पूछ रहा था, ठीक है ना। तो ये लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किए थे। तो अभी किसी एक को लेके मुझे थ्योरम्स डिस्कस करने पड़ेंगे, तो कि बाकी थ्योरम उसके हिसाब से ही होगा। तो जनरली जो डिस्कस करते हैं लोग नंबर ऑफ फेलियर से ही है ना। तुम देखो बुक्स में लिखा रहता है एन प्लस आर माइनस वन, आपको दिख रहा होगा, या एक्स प्लस आर माइनस वन से। तो जो बुक्स में जनरली कौन सा पीडीएफ रहता है, मतलब पीएमएफ रहता है, क्या हर बुक में दोनों है? देखो आप जो बुक फॉलो करो उसमें क्या है, नंबर ऑफ फेलियर्स वाला ही रहता है। हाँ वही रहता है ना, नंबर ऑफ फेलियर्स वाला, ठीक है। बाकी नंबर ऑफ फेलियर्स वाले में आर ऐड हो जाता है, तो नंबर ऑफ ट्रायल्स वाले हो जाते हैं ना, तो उसमें आप आर ऐड कर दो, उसमें नंबर ऑफ फेलियर्स है प्लस आर नंबर ऑफ सक्सेस है, तो प्लस आर ऐड कर दोगे देन नंबर ऑफ ट्रायल्स, बाकी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो आप, है ना। सो मैं लास्ट क्लास में देखा भी था कि यू कैन डू ट्रांसफॉर्मेशन ऑल्सो। सो एक का अगर आपको याद है मीन वेरियंस से, बाकी ट्रांसफॉर्मेशन करके आप बाकी फाइंड कर सकते हो। तो जैसे मैं ये कह रहा हूं कि हमने देखा था ना कि x अगर है, मान लो x1 है नंबर ऑफ, है ना, या x अगर मैं बोलूं नंबर ऑफ फेलियर बिफोर आरएच सक्सेस, ये था ना। तो इसका जो सपोर्ट यहां था, फेलियर्स काउंट कर रहे थे, तो क्या था सपोर्ट, कहां से स्टार्ट हो रहा था, ये था ना नंबर ऑफ फेलियर्स वाला, ये सपोर्ट था हमारे पास। और इसी में क्या है कि दूसरा अगर है नंबर ऑफ ट्रायल बिफोर आरएच सक्सेस, यह नंबर ऑफ ट्रायल टू गेट आरएच सक्सेस, है ना, टिल आरएच सक्सेस। सो यह नंबर ऑफ ट्रायल्स रिक्वायर्ड टू गेट आरएच सक्सेस, है ना, इस तरीके से। सो इसमें क्या था हमारे पास, जस्ट सो वाई की जो पॉसिबल वैल्यूज है वो यहां से स्टार्ट हो रही थी। तो सिंपली यू कैन नोट दैट कि एक्स प्लस आर जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन इससे कर सकते हो आप। तो अगर आपको एक्स का पीएमएफ पता है, सो यू कैन डू ट्रांसफॉर्मेशन, फिर इससे वाई का पीएमएफ आ जाएगा ना। सो ये चीज है आपका। सो मीन भी अगर एक्स का पता है तो यहां से वाई का मीन निकाल सकते हो आप, ठीक है। सो वेरीफाई कर सकते ना, तो सिंपली वेरीफाई हो जाएगा। तो इसमें क्या, ये तो लास्ट में डिस्कस कर ही रखा है, दोबारा डिस्कस करने का मतलब नहीं है। आप जो लास्ट क्लास में, जो नहीं तो पुराने वीडियो देखो, तो हमने ये डिस्कस किया था। थोड़े आगे बढ़ते हैं अब। इस पे कुछ थ्योरम्स देखते हैं। तो एक मैं पीएमएफ लेके आगे बढ़ता हूं, तो ताकि क्योंकि थ्योरम्स डिस्कस करना है दोनों के हिसाब से नहीं, सो एक हिसाब से हम एक पीएमएफ के हिसाब से डिस्कस करेंगे। तो जनरली आपको जो बुक में मिलता है, इन लोगों ने भी क्या डिस्कस किया है एक्स के बारे में, पहले वही लिया है, तो उसको आप नेगेटिव कोएफिशिएंट के टर्म में भी लिख सकते हो, है ना। ठीक है, तो मैं ये वाला पीएमएफ लेके चलता हूँ, एक्स वाला।
मतलब ये पहला वाला जो है ना इसी को कंटिन्यू करता हूँ। तो इसका क्या था एक बार देख लो। सो ये जो मैंने x डिफाइन किया हुआ है तो सो व्हाट इज पीएमएफ ऑफ x, कोई बताओ क्या आया था लास्ट क्लास में, x का पीएमएफ क्या है? x plus r minus 1 cx b to the power r q to the power x p raised to power r q raised to power x। ओके और x की वैल्यू तो आपने यहाँ देखा ही है, तो x की वैल्यू 0 1 2 डॉट 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 किस तरह से होगा। और यहाँ से मेन कितना आया था इसका, सो आर क्यू बाई पी है ना। ओके यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो, y का मीन यहाँ से नहीं है ना, सो आपको एक का भी याद है, दूसरा आप ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो। मीन अगर y का चाहिए तो ex plus r हो जाएगा, इसमें r ऐड करके देखो है ना, सो इस तरीके से आ जाएगा, सो r by p आ जाएगा देन। और वेरिएंस क्या आया था, आर क्यू बाई पी स्क्वायर, ठीक है। और आगे जो है आपके पास हमने एम जी एफ भी डिस्कस किया था इसका, सो एम जी एफ क्या था, ये पी अपॉन वन माइनस क्यू। ओके सो तो ये सर बाकी ट्रांसफॉर्मेशन किया जा सकता है, आप ध्यान रखना ना, इससे भी क्वेश्चन इस पे भी आते हैं, बाकी फाइंड कर सकते हो आप। सो इसके हिसाब से मैं अगला आगे थ्योरम्स लिखता हूं, तो जो भी मैं थ्योरम लिख रहा हूं वो इसके हिसाब से है ना, सो द थ्योरम्स है ना, थ्योरम जो भी लिख रहा हूं इसके हिसाब से, थ्योरम्स जो मैं लिख रहा हूं एज पर मीनिंग ऑफ एक्स है ना। बाकी उसके लिए भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट इसके हिसाब से लिखता हूं, ठीक है। सो क्या होगा, सो अगर हमारे पास है, चलो पहले आसान से स्टार्ट करते हैं ना, तो क्वेश्चन बना सकते हैं, थ्योरम में लिख देता हूं तो इसका यूज होगा। सो लेट मान लो एक्स वन एंड एक्स टू आर, तो इसका नोटेशन ऐसा लिखेंगे, नेगेटिव बाइनोमियल आर कॉमा पी, तो इसका नोटेशन है एन बी, मैं नोट करूंगा तो नेगेटिव बाइनोमियल, ठीक है। सो नेगेटिव बाइनोमियल विथ पैरामीटर्स आर एंड पी, सो आर है नंबर ऑफ सक्सेस है ना, सो यहाँ पे था जो रैंडम वेरिएबल की मीनिंग है कि नंबर ऑफ फेलियर बिफोर आर इज सक्सेस, एंड पी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल। सो एक्स वन एक्स टू आर नेगेटिव बाइनोमियल, आर कॉमा पी हो गया, एंड दे आर आई आई डी, तो आई आई डी लिख लो, सो दे आर आई आई डी, they are IID negative binomial R comma P, ठीक है। Then x1 plus x2 की value क्या होगी, distribution क्या होगा, ठीक है ना। So binomial में क्या होता था, मान लो x1 है binomial NP, x2 है binomial NP, same ही है, इंडिपेंडेंट है, तो x1 plus x2 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता था बाइनोमियल में, हाँ बाइनोमियल विद पैरामीटर, तो 2n कॉमा है ना, या n1 plus n2 हो जाता था, ये 2n जब इक्वल है तो 2n कॉमा p, सेम यहाँ पे भी होगा, सो आपका जो r है वो ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। सो यू विल हैव जस्ट कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x1 plus x2 नेगेटिव बाइनोमियल ही होगी, 2r कॉमा p हो जाएगी, ठीक है ना। So, इस तरीके से p कॉमन रहेगा यहाँ पे, लाइक बाइनोमियल, बाइनोमियल से रिलेट कर पाओगे आप, वहां np था नोटेशन बाइनोमियल का, तो वहां हालांकि n का मतलब नंबर ऑफ ट्रायल से था, सो यहाँ पे भी सेम डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, हमने बाइनोमियल में एक प्रूफ करके भी देखा था, सो इसका भी प्रूफ आप ट्राई कर सकते हो, सिमिलर वे में हो जाएगा। सो ये डिस्ट्रीब्यूशन आएगी, इसी को जनरलाइज करोगे अगर, सो मान लो अगर आप, या मैं थोड़ा सा इसी को अलग अलग कर दूं, x1 is negative binomial r1 comma p
एंड x2 इज नेगेटिव बाइनोमियल r2 कॉमा p, ठीक है. सो देन सो x1 इज ठीक और दोनों इंडिपेंडेंट है, दे आर इंडिपेंडेंट. सो दे आर इंडिपेंडेंट, ठीक है. देन आपसे बोला जा रहा है कि x1 प्लस x2 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, तो सिमिलर है, ठीक है ना. सो आपका हो गया ये नेगेटिव बाइनोमियल r1 प्लस r2 कॉमा p, ठीक है, इस तरह से. सो इसी में अगर आप और जनरलाइज करोगे, क्या हो गया इसको, सो ठीक है. सो इसको थोड़ा, अब हमने टू के लिए लिखा, यही चीज एन के लिए लिख सकते हैं या के नंबर ऑफ रैंडम वेरिएबल के लिख सकते हैं. सो लेट से अगर मैं ऐसा लिखूं कि लेट x1 कॉमा x2 अप टू xn आर iid नेगेटिव बाइनोमियल r कॉमा p, ठीक, देन आप सिंपली बता सकते हो कि जो इसका सम है, सो x मान लो समेशन xi, i फ्रॉम 1 टू k, तो n लेने के बजाय मैं k नंबर ऑफ रैंडम वेरिएबल लेता हूं. सो आई हैव k डिफरेंट रैंडम वेरिएबल्स x1 x2 x3 अप टू xn xk and they are id negative binomial r comma p, ठीक है. so they are negative binomial r comma p, then summation xi, इसका distribution id है, तो you know already क्या लिखूं, so k time r, so r r add होगा k time, so k time r comma p, इसी को generalize करोगे, so यही theorem है, बस generalize हो जाएगा कि k let जो xi है, each xi is a negative binomial ri comma p, so मतलब xi का distribution है negative binomial, तो इसका pmf negative binomial रहा होगा, with parameter ri comma p for all i, या for i बराबर, so for i 1 2 3 up to k, so again there are k different random variables और ये independent है, they are independent. So they are independent. Then again x, मान लो x का मतलब है summation xi, i from 1 to k, ठीक है. So it will have negative binomial distribution with parameter क्या, summation ri i from 1 to k comma p, ठीक है. तो सिमिलर ही है, ये चारों स्टेटमेंट जो लिखा है मैंने ऊपर सेम ही है, बस अलग अलग उससे लिखा है, पहले दोनों आईआईडी था तो आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड भी है, इंडिपेंडेंट भी है, यहाँ इंडिपेंडेंट है बस, आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है बिकॉज डिफरेंट पैरामीटर्स हैं आर वन आर टू. फिर यहाँ पे के नंबर ऑफ रैंडम वेरिएबल के लिए जो आईआईडी थे, यहाँ पे इंडिपेंडेंट है जस्ट, आइडेंटिकली तो नेगेटिव बाइनोमियल रहेगा. तो क्वेश्चन इस तरह के एग्जाम में मिल जाएंगे आपको, तो थ्योरम्स याद है तो जल्दी कम टाइम में सॉल्व हो जाएगा, थ्योरम याद नहीं है तब भी सॉल्व होगा, थोड़े टाइम लगेंगे, है ना, फिर आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा आगे, तो जैसे कैलकुलेशन करते हैं वो करना पड़ेगा, याद है तो कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा. ओके ठीक है. सो ये हो गया नेगेटिव बाइनोमियल. इसमें क्या होता है, जैसे अगर कुछ क्वेश्चंस देखें हम, जैसे मान लो क्वेश्चन पूछा जाता है कि A coin is tossed repeatedly, है ना, पूछता है कि the probability of, so the probability of getting sixth head in 11th toss is, ठीक है, मतलब इस तरह के क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं कि एक क्वाइन को टॉस किए रिपीटेडली, पूछ रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है कि 11वें टॉस में 6 टाइम हिट आएगा, तो ये सब आप इजीली फाइंड कर सकते हैं इसका पीएमएफ यूज करके.
बताइए आंसर क्विकली, आसान है हालांकि। ओके, बाकी लोगों का यही आ रहा है, चेक कर लीजिए। सो सिंपली आप यूज कर सकते हो पीएमएफ, ये डायरेक्टली जैसे भी आपको समझ आता है ना। सो आपसे पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ, है ना, सिक्स्थ हेड इन 11th टॉस, ठीक है। तो हेड यहां पे सक्सेस हो गया ना, तो नंबर ऑफ सक्सेस 6 है। सो सिक्स्थ सक्सेस इन 11th ट्रायल, तो आरएथ सक्सेस इन एनएथ ट्रायल, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ये नेगेटिव वाले हमने से यूज करते हैं ना, तो ट्रायल वाला था यहाँ पे। सो सिंपल यहाँ पे ये अगर आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा लो तो 11 माइनस 1 है ना, चूज 6 माइनस 1, फिर हाफ पी की पावर है ना 5 और क्यू की पावर भी यहाँ पे 1 मिनट, तो पी की पावर हो जाएगी 6 ना टोटल, मतलब बाद में हाफ लिखो, सच्चा यही लिख लो, पी की पावर 6 और क्यू की पावर 5। पीएमएफ यूज कर लो, पीएमएफ अगर आपको नहीं याद रहता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको ब्रेक कर सकते हो कि है ना सिक्स्थ हेड इन 11th टॉस, तो आपको ये है कि लास्ट वाला तो हेड ही आएगा, ये पक्का है, बाकी आपको निकालना है 5 हेड्स इन 10 टॉस। तो यहां मतलब ये हो गया कि 10 टॉस में 5 बार कहीं भी हेड आ सकता है, और यहां पे मतलब ये था कि 11th टॉस हेड ही है ना, इसने फिक्स कर दिया कि जो 11th टॉस है दैट इज हेड ओनली, सो 11th टॉस हेड ही है एक्चुअली। सो सॉल्व कर लो यहाँ से, सो इससे भी अगर आप सॉल्व करोगे तो वही बात है, बाइनोमियल लगाओगे आप 10c5 p की पावर 5 q की पावर 5, ठीक है, इस तरह से, और इनटू में हाफ, तो हाफ दे रखा ना, तो इस तरीके से आंसर वही आएगा, ठीक है, इस तरह से। सो बात बराबर ही है। सो यहां हमने पीएमएफ डायरेक्टली यूज किया जब वो नंबर ऑफ ट्रायल हमारे पास एक्स को ले रहे थे, नंबर ऑफ ट्रायल रिक्वायर्ड टू गेट आरएथ सक्सेस, तो उस केस में था एक्स माइनस वन चूज आर माइनस वन पी की पावर है ना, कितने सक्सेस ये था आर और क्यू की पावर एक्स, इस तरीके से। सो पिछला लेक्चर जिन लोगों ने अटेंड नहीं किया पिछला लेक्चर देखिए, सो उसमें हमने डिस्कस किया है क्या मीनिंग है और उसके हिसाब से हमने डिराइव भी किए हैं पीएमएफ। ओके, तो ये हो जाएगा। अब थोड़े आते हैं इसका, जैसे आप जानते हो कि बाइनोमियल का स्पेशल केस बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन है, इन द सिमिलर वे नेगेटिव बाइनोमियल का स्पेशल केस क्या है, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, जो नेगेटिव बाइनोमियल का स्पेशल केस ज्योमेट्रिक है। जैसे मैं अगर लिखूं लाइक यू नो, सो लाइक वी नो दैट बाइनोमियल 1, p इज इक्वल टू डी लिख रहा हूं, मतलब डी मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, so identically distributed with Bernoulli P, ठीक, so binomial 1, p is identically distributed with Bernoulli P, similarly अभी हम देखेंगे कि negative binomial 1, p, so r के जगह 1 रख दिया आपने, है ना, notation क्या है उसका, binomial np होता है, यहाँ पे आपने r के जगह 1 रख दिया, so this will be identically distributed with जियोमेट्रिक पी। तो पहले मुझे डिफाइन करना पड़ेगा ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल होता क्या है, चलो पहले डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल, फिर देखेंगे कि जैसे बाइनोमियल का स्पेशल केस बर्नौली है
उसी तरीके से नेगेटिव बायनोमियल का स्पेशल केस ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। हालांकि ज्योमेट्रिक का ज्यादा इंपॉर्टेंस, ज्योमेट्रिक ज्यादा यूज होता ना, तो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ये अकेला डिस्ट्रीब्यूशन है डिस्क्रीट में जो मेमोरियलेस प्रॉपर्टी फॉलो करता है ना, इस तरीके से। सो चलिए तो यहां पे क्या करते हैं हम, सो हाउ टू डिफाइन ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। सो हमें देखना है ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। सो वो जैसे आपने देखा था नेगेटिव बायनोमियल की स्टोरी, सेम स्टोरी यहां रिपीट होगी, जस्ट आर की जगह वन होगी, है ना। तो यहां सेम स्टोरी होगी, मतलब ये है कि यू कैन डिफाइन एक्स इन टू वे। सो यहां पे क्या है कि यू हैव एक्स का जो मीनिंग होगा नंबर ऑफ ट्रायल, या दो तरीके से डिफाइन कर लो, है ना। चलो एक्स पहले डिस्कस करता हूं, नंबर ऑफ फेलियर वाला। तो पहले मैंने नेगेटिव बायनोमियल क्या ट्रायल वाला लिखा था ना, पहले हमने वहां ट्रायल वाले डिस्कस किया था, वही डिस्कस कर लेते हैं पहले। तो सो नंबर ऑफ ट्रायल रिक्वायर्ड टू गेट फर्स्ट सक्सेस, है ना। वहां क्या था, आरएथ सक्सेस। तो बिल्कुल सेम चलेगा, वहां आरएथ सक्सेस था, आर की जगह वन रख दिया, फर्स्ट सक्सेस की बात करता है। और इसका दूसरा जो मीनिंग है वो ये है कि नंबर ऑफ फेलियर बिफोर फर्स्ट सक्सेस, ठीक है। देखो क्या है ना कि ईच ट्रायल जो है एक्चुअली बर्नौली ट्रायल होगा। सो ईच ट्रायल है वो क्या होगा, बर्नौली ट्रायल होगा। पहली बात तो बर्नौली ट्रायल को क्या पता है कि सक्सेस की प्रॉबर्टी हर बार सेम रहेगी, एक्चुअली जो अगले ट्रायल में भी सेम ही प्रॉबर्टी रहेगी, और इंडिपेंडेंट होते हैं ट्रायल्स यहाँ भी। सो वही स्टोरी सेम रहेगी, बाइनोमियल बर्नौली है ना, ज्योमेट्रिक नेगेटिव, सब में ट्रायल्स जो है बर्नौली ट्रायल होते हैं। सो ट्रायल्स मतलब आईईडी होते हैं, ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट, हर बार सक्सेस प्रॉबर्टी सेम रहती है। सो नंबर ऑफ फेलियर बिफोर फर्स्ट सक्सेस, बताइए मुझे। सो यहाँ पे सपोर्ट की वैल्यू क्या होगी, पहले इधर बताइए सपोर्ट क्या हो सकती है यहाँ पे, व्हाट इज सपोर्ट। सर 1 से स्टार्ट होगा। सो नंबर ऑफ ट्रायल रिक्वायर्ड टू गेट फर्स्ट सक्सेस, तो आपको फर्स्ट सक्सेस चाहिए है ना, तो कम से कम एक बार ट्रायल तो करना पड़ेगा। तो मतलब 1 से, वहां आर से स्टार्ट हुई थी, सो 1 से स्टार्ट होगी। इस केस में अगर आपने ये डिफाइन किया है कि नंबर ऑफ फेलियर बिफोर फर्स्ट सक्सेस, तो सपोर्ट क्या होगा, जीरो से स्टार्ट होगा ना। सो 0 1 2 डॉट 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 इस तरीके से। तो यहाँ क्या फेलियर काउंट कर रहे हैं, यहाँ पे आप ट्रायल्स काउंट कर रहे हैं, तो ट्रायल्स आपका रैंडम है। सो आप सिंपली इसका पीएमएफ निकालना है आपको, ठीक है ना। सो जैसे आप अगर x इज इक्वल टू x लिखते हो, सो मीनिंग इज कि जो ट्रायल नंबर x है, x द ट्रायल, सो वी गेट फर्स्ट सक्सेस ऑन x ट्रायल, इसका ये मतलब है ना। सो वी गेट फर्स्ट सक्सेस ऑन x ट्रायल, यहां कुछ और k भी ले सकते हो तो kth ट्रायल हो जाएगा, k अगर लोगे तो। ट्रायल मतलब क्या है कि ईच ट्रायल हैज ओनली टू पॉसिबिलिटीज, बर्नौली ट्रायल की एक और ये भी कंडीशन थी ना कि ईच ट्रायल हैज ओनली टू पॉसिबिलिटीज, सक्सेस और फेलियर, ठीक है, सक्सेस और फेलियर। सो फर्स्ट सक्सेस ऑन एक्स ट्रायल, ठीक है, तो क्या करोगे आप, फर्स्ट सक्सेस ऑन एक्स ट्रायल। तो फिर से देखो अब इसका क्या मतलब है, लास्ट ट्रायल तो सक्सेस ही होगा, है ना, तो उससे पहले कितने सक्सेस आए थे, जीरो, है ना। तो उससे पहले जीरो सक्सेस हैं, जो पहला ट्रायल है पहला सक्सेस एक्स ट्रायल पे आया, तो आपको उसकी प्रॉबर्टी निकालनी है। तो देखो लास्ट ट्रायल पे ही सक्सेस आ रहा है, बाकी का फेलियर फेलियर फेलियर, है ना। अगर मैं ऐसा लिखूं तो इसका मतलब है कि फेलियर 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 चल रहा है एक्स माइनस वन ट्रायल। तो या तो ऐसे लिखूं मैं कि नो सक्सेस इन एक्स माइनस वन ट्रायल्स, जब टोटल x माइनस वन ट्रायल शुरू में हुआ उसमें कोई सक्सेस नहीं है, एंड लास्ट ट्रायल पे सक्सेस मिला, एस फॉर सक्सेस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि अब हर ट्रायल इंडिपेंडेंट है, क्योंकि बर्नौली ट्रायल की कंडीशन ही है कि ईच ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सक्सेस की प्रॉबर्टी है ना पी लेते हैं, और फेलियर की प्रॉबर्टी क्यू लेते हैं, क्यू इज वन माइनस पी। सो यहाँ पे आ जाएगा क्यू, क्यू की पावर कितनी आ जाएगी, है ना। सो क्यू की पावर एक्स माइनस वन, यहाँ क्या होगा एक्चुअली चलता रहेगा क्यू इंटू क्यू एक्स माइनस वन तक, और लास्ट में है पी,
पी मतलब सक्सेस, तो ये हो गया क्यू की पावर एक्स माइनस वन इंटू पी, तो यहां पे आपके पास ये आएगा सपोर्ट। सो ये था प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो फाइनली यहां से क्या मिला, सो प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू एक्स जो आता है कि जैसे भी लिख लो आप क्यू की पावर एक्स माइनस वन इंटू पी, और एक्स की वैल्यू हो जाएगी यहां कहां से स्टार्ट होगी, वन टू थ्री इस तरीके से। तो देखो एक्स माइनस वन है तो वन यहां से स्टार्ट हो रही है, और यहां पे आप देखोगे अगर सो दूसरा केस में देखो आप, दूसरा केस में क्या है कि नंबर ऑफ फेलियर है, इसका मतलब ये है, यहां समझिए अगर मैं पीएमएफ निकाल रहा हूं एक्स इज इक्वल टू एक्स, इसका मतलब है नंबर ऑफ फेलियर बिफोर फर्स्ट सक्सेस, तो एक्स नंबर ऑफ फेलियर है। सो इसका क्या मतलब हुआ, कितनी बार फेलियर आया बिफोर फर्स्ट सक्सेस, है ना। सो एक्स फेलियर्स, इसका मतलब हुआ एक्स फेलियर्स बिफोर फर्स्ट सक्सेस, ठीक। तो फिर से तो यहां पहला सक्सेस आने तक ही काउंट हो रहा है, ठीक है ना, तो लास्ट वाला तो सक्सेस आ गया, सो वो तो वहीं पे स्टॉप होगा गेम, तो उससे पहले कितने फेलियर आए हुए यहां पे, है ना, हम नंबर ऑफ फेलियर काउंट कर रहे हैं ना, तो देयर आर एक्स नंबर ऑफ फेलियर्स टिल फर्स्ट बिफोर फर्स्ट सक्सेस, पहले से आने पहले एक्स नंबर ऑफ फेलियर्स आया, उससे पहले कोई सक्सेस नहीं आया, तो मींस यहां पे क्या होगा क्यू 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 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा एक्स टाइम, यहां एक्स टाइम, और देन पी आएगा, है ना, यहां पे ये जो था ये एक्स माइनस वन टाइम था, दिस वॉज एक्स माइनस वन टाइम्स, और यहां पे ये जो है ये एक्स टाइम है, क्योंकि ये फेलियर काउंट कर रहे हैं आप, यहां पे था कि टोटल ट्रायल एक्स है जिसमें एक सक्सेस लास्ट वाला था, बाकी में फेलियर था, यहां फेलियर ही काउंट कर दे रहा है, एक्स फेलियर्स बिफोर फर्स्ट सक्सेस। सो यहां पे आपके पास जो पीएमएफ आया वो क्यू की पावर एक्स इंटू पी, और आप सिंपली मैं डिराइव कर रहा हूं हालांकि, और ऐसे मैंने निगेटिव बाइनोमियल का भी डिराइव किया था, तो आप वहां देखो जस्ट आर की जगह वन रखते जाओ, जो भी स्टोरी आपने लिखी हुई है निगेटिव बाइनोमियल के लिए उस पूरी स्टोरी में आर को रिप्लेस करते जाओ वन से, तो आपको पूरा ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा, तो वही मैं भी कर रहा हूं अभी। तो आपके पास PMF आ गया, यहाँ Q की पावर x माइनस वन पी, Q की पावर x p। अब यहाँ बच्चों को दिक्कत कहाँ होती है, सो आप पूछते फिर एग्जाम में कौन सा यूज करना है, तो एग्जाम में अज्यूम नहीं करना है, तुम्हें एग्जाम में जो बोलेगा यूज करने के वही यूज करो, या तो इंटरप्रिटेशन दे रखा होगा जिसे हम लास्ट क्लास में क्वेश्चन किया था, नंबर ऑफ फेलियर वाले का भी मेन पूछा था, नंबर ऑफ ट्रायल वाले का भी मेन पूछा था, तो जो पूछ रहा है वो यूज करो, एक आंसर है। दूसरा आंसर अगर सिर्फ नोटेशन यूज हुआ है तो फर्स्ट पेज पे PMF दे रखा है उसको यूज करो, जो PMF दे रखा है उसने, ऐसा नहीं कि यही यूज होगा हमेशा यही होगा, कोई भी हो सकता है, ठीक है ना, जरूरी है कि फिक्स कर रखा है तो वो यूज करना। ये तो हो गया जो पीएमएफ डिराइव कर सकी है, और ये इंटरप्रिटेशन भी हो गया इसमें, ओके। चलो अलग से थोड़ा मैं उसका वो डिफाइन कर देता हूं, तो अगर मैं डेफिनेशन लिखूं फिर से अब, सो अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स हैज ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ना विथ पैरामीटर पी, ज्योमेट्रिक पी लिख देता हूं, या ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर पी, ठीक है, विथ पैरामीटर पी सो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स हैज ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर पी, ठीक है ना, if and only if, तो एक तो ये है कि PMF of x is probability x is equal to x, और क्या आएगा, so probability x is equal to x, अब ये पहला एक यूज कर लेता हूं मैं, तो अभी यूज कर लेता हूं q की पावर x माइनस वन इंटू पी, ये वही बात है कि वन माइनस पी की पावर, ऐसा लिखा होगा बात बराबर है, इंटू पी where x will take value 1, 2, 3, dot, 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 इस तरीके से, so x की ये value होगी, and, ठीक है, अब आगे, so इस केस में बताओ, अब आगे अगर मैं बात करूं also, so ये तो definition हो गया, एंड दूसरे केस में एक और डेफिनेशन लिख सकते हो जहां पे, है ना, दो डिफरेंट डेफिनेशन है, सो यूज करना है रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जो क्वेश्चन में बोला गया हो उसको यूज करना है,
सो दूसरे में क्या होगा, जस्ट यहां पे x हो जाएगा, सो यहां पे q की पावर x इंटू पी, या वही है 1 माइनस पी की पावर x इंटू पी, और x की वैल्यू हो जाएगी क्या क्या 0, 1, 2। ध्यान रखना यहाँ 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना, बिकॉज ये फेलियर वाला है ना, तो दिस इंटू, तो ये हो गया सिंपली दो डेफिनेशन है, दोनों का अलग अलग इंटरप्रिटेशन है, इसीलिए ऐसा है। चलो आगे आते हैं, सो आगे क्या है हमारे पास, बाकी देखो मेन वेरिएंस आप लोगों को कैलकुलेट करना आता है, आप कहोगे तो प्रूफ भी कर देंगे या बुक में भी किया रहता है, मेनली यहाँ पे पर्पस है आपको पीएमएफ डिस्ट्रीब्यूशन का नाम याद हो, सपोर्ट याद हो, पीएमएफ याद हो, मेन वेरिएंस, एमजीएफ, एटलीस्ट ये सब याद हो, बाकी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं आप, मेन वेरिएंस कैलकुलेट कर सकते हैं अगर पीएमएफ याद है तो, बट टाइम लग जाएगा कैलकुलेट, ये सब फ्रीक्वेंटली यूज होगा तो आपको ये याद होने चाहिए। सो पहला केस में एक ज्योमेट्रिक जो है हमारे पास, जब पीएमएफ ये है मेरे पास u की पावर x माइनस वन इंटू पी, जब x की वैल्यू है ना, ये हमारे पास पीएमएफ है, तो यहां पे ये तो पीएमएफ हो गया, पीएमएफ जो सपोर्ट है वो हमारे पास होगा x की वैल्यू 1, 2, 3 डॉट 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 इस तरीके से, और मेन, सो मेन क्या होगा ex, बताओ इस केस में क्या आ रहा था, वहां पे नंबर ऑफ ट्रायल जब था हमारे पास तो क्या आया था मीन, तो वहां r by p था, सो वहां r by p था, r यहां 1 हो गया, जस्ट आप रिलेट कर पाना है ना, तो r by p तो 1 by p हो गया जस्ट, ठीक है, वेरिएंस, वेरिएंस ऑफ x सिग्मा स्क्वायर, क्या आएगा वेरिएंस यहां पे, सो r क्यू by p स्क्वायर था, r को 1 रख दोगे, सो q by p स्क्वायर, mgf mxt, तो क्या था वहां पे, मतलब इस पूरे की पावर 1 हो जाएगी, यहां वहां r था पावर, तो यहां पावर 1 हो गई, ओके। दूसरे केस में जो दूसरा वाला pmf अगर है मेरे पास q की पावर x इंटू पी, x की वैल्यू 0, 1, 2 डॉट डॉट डॉट, सो अगर ये pmf है ज्योमेट्रिक का, तो उस केस में द सपोर्ट यू हैव है ना, कई बार सपोर्ट हेल्प करता है आपको डिसाइड करने में डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये सपोर्ट है इसका मेन, सो ई एक्स कितना होगा यहाँ पे, है ना, सो उसमें देखेंगे आप जब नंबर ऑफ एलियर काउंट कर रहे थे बिफोर आर इज सक्सेस, तो आर क्यू बाई पी था, है ना, तो यहाँ पे क्यू बाई पी, आर वन हो गया, वेरियंस ऑफ एक्स सिग्मा स्क्वायर सेम ही रहता है दोनों में, q by p square, so q is 1 minus p, तो बुक में अगर लिखा हो तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, सो एंड mgf सो p अपॉन 1 माइनस क्यू e की पावर t, ठीक, इस पूरे की पावर 1, है ना, तो 1 मतलब लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मैं जस्ट लिख रहा हूं, सो आर की जगह 1 रख दिया, सो आपको ध्यान रखना है जो पीएमएफ है उसके हिसाब से मीन वेरिएंस एमजीएफ यूज करो, जो पीएमएफ है उसके हिसाब से, वरना छोटी छोटी गलतियां बच्चे करते हैं फिर बाद में आग लगता रे, है ना, कई सालों को तो क्लियर भी नहीं रहता तुम्हें क्या डिफरेंस है ना, तो चूंकि तुम्हें से कुछ लोगों को पता रहा होगा कुछ लोगों को पता नहीं रहा होगा, सो आगे बढ़ते हैं, तो ये हमने अभी देखा ज्योमेट्रिक में, थ्योरम्स वही है जो उसके केस में था, तो जैसे मैं अगर लिखूं तो अभी हमने क्या डिस्कस किया ज्योमेट्रिक का इंटरप्रिटेशन क्या है, तो सेम लाइक जो नेगेटिव बाइनोमियल बस आर के 1 रखना है, पीएमएफ भी वैसे ही आ गया, मीन वेरिएंस एमजीएफ भी वैसे ही आ गया, अब है थ्योरम्स कुछ रिजल्ट्स, सो रिजल्ट्स क्या है, जैसे पहला थ्योरम अगर मैं लिखूं कि मान लो x1 and x2 आर ज्योमेट्रिक पी, आईआईडी ज्योमेट्रिक पी, है ना, सो x1 and x2 आर आईआईडी ज्योमेट्रिक पी, पी पैरामीटर है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल, ठीक है ना, देन
व्हाट इज द सम ऑफ x1 प्लस x2? x1 एंड x2 का सम का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? नेगेटिव बाइनोमियल 2 कॉमा p, ठीक है ना? अब यहां पे कई लोग कंफ्यूज है, इसी में एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, तो कुछ लोग यहां पे लिख देंगे ज्योमेट्रिक 2p या इस तरीके से, है ना, गलतियां कर सकते हैं। सो यहां पे 2 कॉमा p कैसे रिलेट करोगे? तो आपको सिंपली, आपको पता है कि हमने भी बताया आपको कि, है ना, मतलब प्रूफ तो हालांकि बहुत इजी, मतलब प्रूफ नहीं लिख रहा हूं समझाने के लिए, कि x1 हमने लिखा था ज्योमेट्रिक p। सो ज्योमेट्रिक p मतलब नेगेटिव बाइनोमियल 1 कॉमा p, है ना? ऐसे ही x2 भी था ज्योमेट्रिक p जो कि है नेगेटिव बाइनोमियल 1 कॉमा p, और दोनों इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना? सो बोथ आर इंडिपेंडेंट, सो दोनों इंडिपेंडेंट है, इसीलिए x1 प्लस x2 ज्योमेट्रिक नहीं होगा, तो ज्योमेट्रिक नहीं रहा ये, ठीक है ना? बर्नौली प्लस बर्नौली बाइनोमियल 2 कॉमा p हो जाता है। सिमिलरली ज्योमेट्रिक प्लस ज्योमेट्रिक का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नेगेटिव है ना, 2 कॉमा, मतलब वो नेगेटिव बाइनोमियल हो गया, वो ज्योमेट्रिक नहीं रहा, ठीक है ना? सो दिस इज नॉट ज्योमेट्रिक, सो दिस इज नेगेटिव बाइनोमियल सम 2 कॉमा p, ठीक है ना, इस तरीके से। सो इसको एनालाइज भी कर सकते हैं हम लोग, है ना, जनरलाइज। अच्छा, p1 p2 अगर डिफरेंट है तो कोई डिस्ट्रीब्यूशन आएगा जिसका स्टैंडर्ड नाम नहीं, जैसे यहां पे अगर दे दिया कि x1 इज ज्योमेट्रिक p1, x2 ज्योमेट्रिक p2, तो उस केस में x1 प्लस x2 नेगेटिव बाइनोमियल नहीं होगा, है ना, p इक्वल है तब ऐसा हो रहा है। सेम बर्नौली में भी है कि अगर x1 बर्नौली p1 है, x2 बर्नौली p2 है, तो सम बाइनोमियल नहीं होगा, बाइनोमियल के p को इक्वल होना चाहिए, अदरवाइज कोई डिस्ट्रीब्यूशन आएगा दैट इज नॉट स्टैंडर्ड एक्चुअली, है ना, उसका नाम नहीं है। सो ठीक है, तो इसको आगे थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं। अगर इसी थ्योरम का एक्सटेंशन लिखूं मैं, एक्सटेंशन क्या है कि लेट x1 x2 xk दे आर आईआईडी ज्योमेट्रिक p, ठीक है, सो इसी को एक्सटेंड कर रहे हैं हम लोग। सो आईआईडी ज्योमेट्रिक p, देन जो इसका सम है, सम ऑफ एक्स आई, आई फ्रॉम वन टू के, कितना आएगा? सो नेगेटिव बाइनोमियल के कॉमा पी, ठीक है ना, इस तरीके से। अगर ठीक है, सो क्वेश्चंस वैसे ही रहेंगे, फर्स्ट सक्सेस पूछ लेगा कि क्या प्रोबेबिलिटी है 10वें ट्रायल पे पहला सक्सेस आया, तो वैसे ही निकाल लगा सकते हो तुम। अगर सर ये डिस्ट्रीब्यूशन सर इंडिपेंडेंट है तो सर इसका सम हो जाएगा जी जी, हाँ इंडिपेंडेंट ना, इसलिए सम हो गया, तो ज्योमेट्रिक प्लस ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन, तो क्या कहना चाह रहे हो आपने समझाने अखिलेश? भाई सर ये कह रहा था अगर अगर सर डिस्ट्रीब्यूशन सर इंडिपेंडेंट है तो उसका सम हो जाएगा सर, सर एट वन प्लस एट टू, हाँ तो उसका आइडेंटिटी इंडिपेंडेंट है तो सर सर एट टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा सर, हाँ वो ठीक है। अच्छा मैं क्या लिखा हूँ तो यहाँ क्या लिखो, के टाइम पी ज्योमेट्रिक के पी, क्या कहना चाह रहे हो आप? अच्छा मैं ये कह रहा हूँ अगर सर डिस्ट्रीब्यूशन सर इंडिपेंडेंट है तो सर एंड हो जाएगा कितने टाइम तक, अगर सर कोई सर मेरा सर आइडेंटिटी इंडिपेंडेंट है तो सर कितने टाइम तक मुक्त हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर मैं ऐसा कर दूं कि x1 इज ज्योमेट्रिक p1, x2 ज्योमेट्रिक p2, तो उस केस में क्या होगा? चलो एक क्वेश्चन लिख देता हूँ क्लियर होने के लिए, कि लेट x1 इज ज्योमेट्रिक p1, x2 इज ज्योमेट्रिक p2 एंड दे आर इंडिपेंडेंट, ठीक, देन x1 प्लस x2 हैज डिस्ट्रीब्यूशन ऑप्शन ए ज्योमेट्रिक p1 प्लस p2, ऑप्शन बी नेगेटिव बाइनोमियल 2 कॉमा p1, ऑप्शन सी
नेगेटिव बायोमल 2, P2, ठीक है, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, या बाइनोमियल बना सकता हूं यहां पे, है ना, बाइनोमियल है ना 2, P1 + P2, इस तरीके समझ लो, बाकी लोग है ना, हाँ जी सी ठीक है ना, सी नहीं होगा, मतलब ज्योमेट्रिक का सम ज्योमेट्रिक नहीं आएगा कभी भी, ज्योमेट्रिक का सम नेगेटिव बायोमल आएगा, टू बर्नौली का सम बर्नौली आएगा क्या कभी भी, नहीं आएगा, बर्नौली एक टैंडम में बर्नौली है, दूसरा बर्नौली दोनों इंडिपेंडेंट है, सेम पैरामीटर पी है, देन सम उसका बाइनोमियल हो जाएगा, अगर पी वन पी टू डिफरेंट है तो कोई डिस्ट्रीब्यूशन आएगा बट वो स्टैंडर्ड नहीं होगा, तो यहाँ पे इनमें से कोई स्टैंडर्ड नहीं होगा नन ऑफ दी, जो डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, चलो एक क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं, तुम चाहो तो ट्राई कर लो इसी पे, सो मैं अगर क्वेश्चन नंबर टू अगर मैं पूछू तुमसे, सो यू कैन फाइंड ना, हाँ तो मतलब एक क्वेश्चन बना सकता हूं इसमें मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना, जैसे अगर लिखूं कि, लेकिन यहां मुझे देना पड़ेगा पीएमएफ है ना तुम्हारे पास, सो उस तरह फाइंड कर सकते हो तुम, कि डिफरेंट पॉइंट पे तुम्हें मास निकालना पड़ेगा फिर, सो यहां जो मैं थ्योरम, अच्छा यहां पे जो थ्योरम लिखा हूं किसके हिसाब से लिखा हूं, सो एक तो मुझे स्पेसिफाई करना है, अगर फॉलो करेगा दोनों में, लेकिन जो तुम देखो अब यहां पे क्या होगा, तुम अगर जैसे ये वाला पीएमएफ लेके चले तो ये जिस नेगेटिव बायोमल करस्पॉन्डिंग ये पीएमएफ है वो वाला सम नेगेटिव बायोमल होगा, अगर तुम ये लेके चल रहे हो ज्योमेट्रिक में तो इसके करस्पॉन्डिंग जो नेगेटिव बायोमल था उसके वो आएगा, है ना, उसके हिसाब से आएगा, समझ रहे हो ना, तुम्हें जैसे मैं लिख दिया वहां पे ज्योमेट्रिक पी वन, तो कौन सा वाला ज्योमेट्रिक, तो अगर मैं ये वाला ज्योमेट्रिक लिखता हूं तो वहां पे हमारा जो नेगेटिव बायोमल सम आ रहा है वो उसका सम होगा जो नंबर ऑफ ट्रायल वाला था, अगर ज्योमेट्री पे नंबर ऑफ ट्रायल बिफोर फर्स्ट सक्सेस ले रहा हूं तो उसका सम का जो डिस्ट्रीब्यूशन आएगा वो नंबर ऑफ ट्रायल बिफोर सेकंड सक्सेस, है ना, ये हो जाएगा, कहने का मतलब ये है यहाँ पे, सो ये जो है, और अगर ये ज्योमेट्रिक तुम अगर दूसरा वाला ले रहे हो नंबर ऑफ फेलियर वाला बिफोर फर्स्ट सक्सेस, तो सम जो आया है ये जो सम अगर मान लो यहाँ पे, मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूँ सर, यहाँ पे जैसे ये लिया मैंने ज्योमेट्रिक, है ना, तो सम ये जो आएगा ये दूसरा वाला नंबर ऑफ फेलियर बिफोर, है ना, सेकंड सक्सेस, अगर तुम फेलियर वाला ले रहे हो तो जो भी ज्योमेट्रिक कंसिडर कर लो, ये ज्योमेट्रिक ट्रायल वाला है तो यहाँ ट्रायल वाला होगा, यहाँ फेलियर वाला है तो यहाँ फेलियर वाला होगा, ठीक है ना, उस हिसाब से दोनों में ट्रू होगा, ठीक है, ओके तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि अगर पी वन पी टू डिफरेंट है तो नन ऑफ दीज हो जाएगा, सेम चीजें ट्रू होंगी बर्नौली में, अगर मैं यही क्वेश्चन लिख दूं एग्जाम में यही गलती नहीं करनी, इस तरह गलतियां नहीं करनी है, और इस तरह एग्जाम में घुमाया हुआ है, अभी आगे आएगा, है ना, सो ऐसे थ्योरम्स हैं एग्जाम में भी, सो अगर इसी में मैं अगर लिखूं तुम्हारे पास कि ज्योमेट्रिक की जगह बर्नौली P1 है, ठीक है, और यहाँ पे बर्नौली P2 है, तो क्या होगा अब क्या होना चाहिए, तो सम का डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा, हाँ तब भी D रहेगा, ठीक है ना, सो तब भी D ही होगा बिकॉज यहाँ पे, ठीक है, दोनों में तब भी D रहेगा क्योंकि P इक्वल है, तब जाएगा बाइनोमियल 2, P होगा, सो पी कॉमन रहेगा तभी बाइनोमियल 2, P होगा, अदरवाइज नहीं, क्या ओके ओके सो क्वेश्चंस करना इस पे, क्वेश्चंस क्या है वैसे ही तुम्हें इंटरप्रिटेशन पता चल गया ना, तो एक और प्रॉब्लम आएगा तुम देख के बता सकते हो कि जहां फर्स्ट सक्सेस की बात करेगा ना वहां पे,
एक ये थ्योरम है जो बहुत यूज होगा आगे जाके, एक राव ब्लैकवेलाइजेशन टेक्निक जो होता है यूएम यूवी निकालने का, वहां इस थ्योरम का खूब यूज होगा। क्या है जब वो बाइनोमियल केस में, लेकिन वो बाइनोमियल में होता है पॉइजन केस में यूज करें, लेकिन यहाँ पे हाँ ये भी यूज होगा। चलो एक क्वेश्चन लिखता हूँ पहले मैं, जरा देखो तो क्वेश्चन के थ्रू थोड़ा क्लियर होगा ये। मैं दो क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन ये है, x1 तुम्हारे पास जो है x1 इज नेगेटिव बाइनोमियल 2 कॉमा लेट्स से 1/2 है चलो, एंड x2 जो है तुम्हारे पास या 2,1/3 है, एंड x2 जो है नेगेटिव बाइनोमियल 2,1/3 ये भी वही है, या अलग कर दो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन में R1 R2 है तो ठीक है, तो मैं इसको चेंज कर देता हूं। नेगेटिव बाइनोमियल लेट्स से 3,1/3 है, ठीक है, दीज आर इंडिपेंडेंट। मतलब जब इस तरह क्वेश्चन है तुम्हारे दिमाग में पहले ये क्वेश्चन उठना चाहिए, नेगेटिव बाइनोमियल कौन सा वाला, नहीं नहीं अज्यूम कर लेंगे वो वाला है, तुम्हें क्वेश्चन में स्पेसिफाइड होगा फर्स्ट पेज पे अगर ऐसा लिखा हुआ है तो वो तुम्हें पहले ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा वाला नेगेटिव है, नंबर ऑफ ट्रायल वाला या नंबर ऑफ फेलियर वाला, क्योंकि बुक्स में ज्यादातर नंबर ऑफ फेलियर यूज करता है, लेकिन वहां तो वेरीफाई फिर भी कर लेना। तो यहाँ पे है वेयर, है ना, जो नेगेटिव आया वो लिख रहा हूं मैं, तो यहाँ पे पीडीएफ क्या यूज कर रहा हूं मैं, सो पीएमएफ ऑफ नेगेटिव बाइनोमियल मान लो आर कॉमा पी है, तो इसका मैं लिख कर दे देता हूं, तो ये तुम्हारे पास दे रखा है इज क्या होता है एक्स प्लस आर माइनस वन, चूज एक्स या चूज आर माइनस वन अप टू यू, पी तुम्हारा नंबर ऑफ सक्सेस है तो पी की पावर आर क्यू की पावर एक्स, है ना, और एक्स की वैल्यू यहां स्टार्ट होगी, नंबर ऑफ फेलियर है तो जीरो से, मैं पीएमएफ दे दिया वैसे तुम्हें, अब तुमसे मैं पूछना चाह रहा हूं यहां पे, ठीक देन आपको बताना है प्रोबेबिलिटी x1 इज इक्वल टू, तुम लोग क्वेश्चन लिख लो पहले ना, so find the probability x1 is equal to चलो 1 given x1 plus x2 is equal to 2 is, बताओ क्या आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राई करो फिर दूसरा ट्राई करो, अब तुम्हें जैसे आता वैसे ट्राई करो, जरूर नहीं किसी कोई मेथड बताओ, तुम्हें मान लो ये क्वेश्चन तुम्हें एग्जाम में अगर मिल गया जैसे अभी जितनी तैयारी तुम्हारी है उसके हिसाब से, तो तुम क्या करोगे, तुम्हें एक स्टैंड लेना, कोई आंसर टिक करना, बताना है एनएटी है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप है,
तो कुछ तो निकालोगे, तो वो ट्राई करोगे, अगर तुम अगर कुछ तो अप्रोच लोगे किसी भी तरीके से तो क्या आंसर आएगा, बाकी फिर मैं बताऊंगा तो तुम्हें समझ आएगा क्या करना है। सो दोनों न्यूमेरिकल का आंसर टाइप है, इस तरह क्वेश्चन जैम में आते हैं, ठीक है ना, जैम गेट में, तो आपको ट्राई करना पड़ेगा, पहले ट्राई करो फिर आंसर बताओ। ओके, पहले का 2/5, चलो यहां लिख देता हूं 2/5 ऑप्शन ए। हाँ, दोनों सेम ही है, उस दोनों में सेम ही रहा हूं, दोनों क्वेश्चन में सेम चीजें पूछी गई हैं, बस अलग क्या है, अलग है यहाँ पे नेगेटिव बायनोमियल गिवन है, यहाँ ज्योमेट्रिक गिवन है, पूछा गया सेम ही चीज है। सभी लोग ट्राई करो भाई, क्योंकि यहां तो मैं देख के अगर डर लग रहा है तो एग्जाम में भी डर लगेगा, एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे अचानक, और यहां अगर डर लग रहा है स्टार्ट नहीं कर पा रहे तो एग्जाम में स्टार्ट नहीं कर पाओगे, तो यही हैबिट आपको लगानी है, कोई नया क्वेश्चन मिला यू जस्ट ट्राई करो, हो ना हो बात की बात है, तो ट्राई करो, दो तीन स्टेप आगे तो बढ़ो तो दिखेगा, ये है स्टार्ट करो। हाँ, सेकंड का 1/3 ओके, चलो इसका ऑप्शन ए है 1/3 सर, सेकंड का 1/3 ओके, 1/3 आ रहा है, ठीक है, तो है ना स्टार्ट करो सॉल्व करना, और फिर स्टार्ट करो इसको अप्रोच करो, है ना, ये जैसे होता है लाइफ में कोई अननोन चैलेंजेस आते हैं उसको फेस करना है, तो वैसे ही कोई अननोन क्वेश्चन है उसको आपको फेस करना है, तो आपको ट्राई करना, ट्राई करोगे कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मिलेगा।
और ये एग्जाम में भी होता है। अब सॉल्यूशन देख के करना तो कोई भी कर लेगा उस तरीके से, लेकिन एग्जाम में सॉल्यूशन नहीं आएंगे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। पहले अप्रोच लो, ट्राई करो, फिर मैं कराऊंगा आपको दिखेगा अच्छा कहाँ गलती कर रहे थे, अगर नहीं कर पाए तो जा तो लोग कर लिए तो ठीक है। चलिए ट्राई करते हैं, हालांकि दोनों थ्योरम है। हाँ ठीक है ना, तो मान लो इस तरह से अलग अलग ऑप्शन 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 इस तरीके से यहाँ पे कुछ भी आ गया ना, 2/7 डी नन ऑफ दीज, इस तरह से कोई एग्जांपल में ऑप्शन या इस तरह एनिटी होंगे। सो एक तो तरीका है कि मैं हम लोग सिंपली कंडीशनल प्रॉबिलिटी का एक क्वेश्चन है ना, उस तरीके से अप्रोच ले सकते हैं, मुझे कुछ नहीं पता तो सिंपली हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ट्राई कर सकते हैं, है ना, और इंडिपेंडेंट भी दे रखा है, चलो ट्राई करके देखता हूँ। सो ठीक है ना, अदरवाइज ये थ्योरम है और उससे हो जाएगा। चलिए सो सेकंड क्वेश्चन ज़्यादा आसान है, सेकंड से स्टार्ट करें, देखते हैं। तो हमें पूछा है प्रोबेबिलिटी x1 इज इक्वल टू 1 गिवन x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 2। तो उन्होंने कैसे किया, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाया a गिवन b। यस सर। ओके सो ठीक है, चलो अभी उसे स्टार्ट करते हैं। सो प्रोबेबिलिटी x1 इज 1, दिस इज इवेंट 1 एंड अदर इवेंट इज x1 प्लस x2 इज 2, ठीक है। A given B, तो एक इवेंट है दूसरा इवेंट है, तो A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B, ठीक, ये दूसरा इवेंट है। अब यहां पे इसका कॉमन सॉल्यूशन निकालना है। सो x1 इज 1 आपको दे रखा है, तो x1 को 1 रख दो, इंटरसेक्शन चाहिए ना, तो यू पुट x1 इज इक्वल टू 1, तो x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x2 भी 1 आ जाएगी फिर, तो ये हो गया अपॉन, अब यहां x1 प्लस x2 2 है, तो आपको अगर ये याद है कि x1 प्लस x2 ज्योमेट्री का सम क्या होता है, नेगेटिव बाइनोमियल, तो उससे कर लो, नहीं तो तुमको ब्रेक करना है, तो सम 2 कब होगा, 0 2 2 0 1 1, तीन केसेस पे सम करने पड़ेंगे, ये भी तरीका है, है ना, इसको ब्रेक कर सकते हो, सही है, ब्रेक किया तो इस तरीके से ब्रेक कर सकते हो, x1 0 x2 2 plus x1 1 x2 1 plus x1 0 x2 2, या x2 जो भी पहले लिया था, तो x1 is 2 and x2 is 0, तीन केसेस बनेंगे, तो वैसे भी कर सकते हो, इंडिपेंडेंट है, प्रोडक्ट कर लो, जैसे भी समझ आ रहा है, ठीक है ना। सो चूंकि मैं थ्योरम यूज ना करूं, अगर डायरेक्टली करूं तो ये ऐसे हो जाएगा। सो ये कब पॉसिबल है, x1 2 हो एंड x2 0 हो, प्लस मैं थ्योरम यूज कर सकता हूं, अभी यूज नहीं कर रहा, सम वाला थ्योरम भी यूज कर लो, नेगेटिव बाइनोमियल तुम्हें पता ही है, उससे भी हो जाएगा, तो जैसे तुम्हें समझ आ रहा है। सो प्रोबेबिलिटी x1 इज 1, x2 इज 1, प्रोबेबिलिटी x1 इज 0 and x2 is 2, ये possibilities हैं। अब इसको तुम solve कर लो, तो तुम्हें independent दे रखा है, मैं independent का meaning बताया था कि 2 random variable independent is on the probability of A intersection B बराबर PA into PB, तो ये जो comma लिखा है intersection ही है, this and this both should hold, ठीक है, तो यहाँ पे है तो इसको अलग अलग कर लो। so probability x1 is equal to 1 into x2 is equal to 1, same denominator में, ठीक है ना, तो उस तरीके से solve कर लेंगे, तो इंडिपेंडेंट है तो अलग अलग कर लो, x1 is 2 into x2 is 0, ऐसे ही अलग अलग कर लो सबको। सो प्रोबेबिलिटी
x1 is 1, x2 is 1, and the probability x1 is 0, x2 is 2. ठीक, ये आया. अब सिंप्लीफाई करते हैं. तो जो सेकेंड क्वेश्चन था उसमें आपको पीएमएफ दे रखा है q की पावर x p. अब p यहां क्या है, 1 बाई 3 है, जो नोटेशन होता है ना, ज्योमेट्रिक p, तो p 1 बाई 3 है. सो यहां पे आपको x बराबर 1 पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है. तो ये हो जाएगा q इंटू p ना, x को 1 पे. दोनों का आईडी तो है सेम ही डिस्ट्रीब्यूशन ना, सो दोनों आईडी है, डिस्ट्रीब्यूशन भी सेम है और इंडिपेंडेंट भी है. तो सेम ही प्रोबेबिलिटी आ जाएगी दोनों की. तो q इंटू पी इस तरीके से न्यूमरेटर. सिमिलरली यहां पे x1 बराबर 2 रखोगे तो 2 रखोगे तो q स्क्वायर p, ओके, प्लस यहां पे qp इंटू qp प्लस x1 0 है. अच्छा एक मिनट, एक मिस कर दिया यहां पे मैंने, एक यहां पे पहला टर्म में. सो x यहां पे क्या था, x1 2 है ना, तो q स्क्वायर इंटू p और इंटू में x2 0 है, तो x2 0 है तो p होगा ना इंटू में, ओके. अब qp qp यहां पे आ गया, x1 जो सेम आ जाएगा. सो x1 जब 0 है तो तुम्हारे पास हो गया p. एंड दूसरा तरीका भी था है ना, इतना ओपन करने की जरूरत नहीं थी डिनोमिनेटर को. सम ऑफ ज्योमेट्रिक इज नेगेटिव बाइनोमियल, तो नेगेटिव बाइनोमियल 2 कॉमा 1 बाई 3, उसका पीएमएफ भी ऊपर लिखा हुआ है, तो उसको खोल के लिख लो, उससे भी हो जाएगा. ओके, तो यहां से p इंटू क्यू स्क्वायर p. सो यहां मैंने अपनी मर्जी से टाइम लगाया, तुम देख सकते हो आसानी से करने के लिए. तो फाइनली क्या आ गया, पुट कर लो वैल्यू जो भी है. तो फाइनली तुम्हारे पास यहां पे हो गया न्यूमरेटर p स्क्वायर q स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में q स्क्वायर p स्क्वायर q स्क्वायर p स्क्वायर तीन बार है ना, तो 3 टाइम q स्क्वायर p स्क्वायर. सो यहां पे आ गया आपके पास डायरेक्टली 1/3. ओके, सो इससे क्या पता चला कि एक्चुअली p का कोई रोल नहीं है यहां पे है ना. देखो तो कैंसिल हो गया ना, अगर कुछ भी p की होता क्या ही फर्क पड़ता, तो p का कोई रोल नहीं है. अच्छा अब देखो 1 by 3 क्यों आया, एक्चुअली x1 plus x2 2 है, तो x1 plus x2 2 है, इसका मतलब सम का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, नेगेटिव बाइनोमियल. और नेगेटिव बाइनोमियल में x1 plus x2 का सपोर्ट क्या हो सकता था, 0 1 2, ये नंबर ऑफ फेलियर वाला. ओके, हालांकि मैं बताना चाह रहा हूं ये थ्योरम है, अभी आगे लिखूंगा. ये यूनिफॉर्म 0 1 2 पे आएगा, मतलब डिस्क्रीट यूनिफॉर्म है, जो कि मैंने लिखाया भी नहीं, अभी आगे यूज करेंगे, आगे लिखाएंगे. तो ये डिस्क्रीट यूनिफॉर्म होता है एक्चुअली. एंड जो न्यूमरेटर वाला है, अब न्यूमरेटर वाले को देखते हैं, मैं दूसरा क्वेश्चन मतलब कहने का मतलब ठीक है ना. यहां पे मैंने काफी टाइम टेकिंग कैलकुलेशन किया, डिनोमिनेटर तीन टर्म लिखे, लिखने की जरूरत नहीं थी, जस्ट आप लिखो कि नेगेटिव बाइनोमियल इसका डिस्ट्रीब्यूशन है नेगेटिव बाइनोमियल 2 कॉमा 1 बाई 3. अब यहां पीएमएफ लिखा हुआ है, आप इसमें किस पॉइंट पे मास चाहिए, आपको 2 पे मास चाहिए था, x1 plus x2 का नया नाम मान लो y रख लो, तो y बराबर 2 की प्रॉपर्टी चाहिए, तो y की डिस्ट्रीब्यूशन ये आएगी. तो यहाँ पे x की जगह 2 रखो और r की जगह भी 2 रखो है ना. सो इस तरीके से, सो x को 2 और r को 2, सेम आंसर आएगा. आप चेक करके देखो डिनोमिनेटर में ठीक है ना. सो x को 2 4 minus 1 3 3c 1 3 p square q square, देखो डायरेक्टली आ गया, समझ रहे हो. इतना जो कैलकुलेशन मैंने किया टाइम टेक उतने करने की जरूरत नहीं थी, सीधा r को 2 और x को 2 रखो तो आ जाएगा 3p स्क्वायर q स्क्वायर जो यहां आया. सो सीधा हम यहां से है ना, यहां से सीधा हम यहां आ सकते थे, ये सीधा 3p. तो इतना बीच के जो कैलकुलेशन किया वो मैंने एक्स्ट्रा किया है, ताकि ये बिना थ्योरम यूज किए मैं कर रहा था. इसीलिए अगर आप वो थ्योरम यूज करोगे सम ऑफ ज्योमेट्रिक इज नेगेटिव बाइनोमियल, तो उससे ये 3p स्क्वायर q स्क्वायर डायरेक्टली आ जाएगा इसका, इसकी प्रॉबर्टी, और ये p स्क्वायर q स्क्वायर तो दो लाइन में ही सॉल्व हो जाता आगे. तो आगे इतना जो मैं किया करने की जरूरत नहीं थी ठीक है ना. ओके, अब यहां पे सेम चीज यहां भी है, सो सिमिलरली हो जाएगा, क्या दिक्कत है, हो जाएगा सिमिलर में. सर फर्स्ट वाले का आंसर 2/5 ही आ रहा है, 2/5 ही आ रहा ना, तो वैसे ही इसको कर लो. अब या तो डिनोमिनेटर में फॉर्मूला यूज कर लेंगे, तो देखो या तो मैं कर देता हूं. तो यहां पे था 2 1/3 3, तो मैं यहां डिनोमिनेटर में थ्योरम यूज कर लूंगा आगे अब ठीक है. यहां पे यूज नहीं किया डिनोमिनेटर में, अगले मैं यूज कर लेता हूं. तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो ये है कि x1 जो है नेगेटिव बाइनोमियल 2, 1/3 है, और x2 जो है नेगेटिव बाइनोमियल 3, 1/3 है.
तो अब मैं थ्योरम यूज कर लूंगा डिनोमिनेटर में, तो एक्स वन प्लस एक्स टू का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा जी, इंडिपेंडेंट भी रखा है, क्या लिखू? ठीक है ना, बाकी लोग भी ध्यान दो भाई। सो नेगेटिव बाइनोमियल 5, 1/3, ठीक है ना। तो यही चीज मैं पिछले क्वेश्चन में भी यूज कर सकता हूँ, उससे और स्टेप कम हो जाते, जो मैंने पिछला क्वेश्चन किया स्टेप बढ़ाए हैं क्योंकि मैं यूज नहीं किया है थ्योरम, अगर यूज करता तो और स्टेप कम हो जाते। तो ये हो जाएगा 1/3, तो उससे हो जाता। देखो यहाँ यूज कर लेता हूँ मैं, पूछा तो सेम ही चीज है मैंने दोनों में, तो यहाँ पे क्या है फिर से वही x1 = 1 इंटरसेक्शन x1 + x2 = 2, ये एक इवेंट है, ये दूसरा इवेंट है, अपॉन प्रोबेबिलिटी x1 + x2 = 2। तो इसको तत्काल में नाम मान लिया y मान लो, ठीक है। सो मेरे पास अब आ गया न्यूमरेटर में x1 = 1 x2 = 1, ठीक, x1 1 x2 1। मैं फिर से एक और बताता हूँ तुम्हें, जो मैं कर रहा हूँ ये एक मेथड है, तुम अगर खुद सोचोगे मुझसे पहले किया होगा तो हो सकता है तुमने कुछ अलग वे में लिखा हो, है ना, तो आंसर सेम आएगा, बट जो कई बार क्या होता है किसी और का तरीका जल्दी समझ नहीं आता, इसलिए पहले खुद करना चाहिए ताकि ज्यादा समझ आए। सो यहाँ से ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी y = 2, y मैंने इसका नाम दिया है। अब पुट कर लो सबका डिस्ट्रीब्यूशन, x1 का डिस्ट्रीब्यूशन पता है आपको, नेगेटिव बाइनोमियल है ना था 2, 1/3, पीएमएफ भी दे रखा है, जैसे मैंने दिया वैसे जहां में भी दे रखा होगा, ठीक है। सो जस्ट आप उसमें x की जगह 1 पुट करो और r आपको दे रखा है यहाँ पे, तो x1 में r की जगह 2 है, ठीक, तो x1 में r की जगह 2 है यहाँ, और यहाँ x1 की वैल्यू x की जगह 1 है, तो 3 - 1 कितना आ जाएगा यहाँ पे, पुट करो, सो x को 1 और r को 2, तो कितना 3 - 1 2 2 + 1, सो 2c1 ये आएगा, और पी की पावर आर, क्यू की पावर एक्स, तो पी की पावर आर, सो पी आपके पास यहाँ पे है 2 और क्यू की पावर एक्स, सो क्यू की पावर एक्स, एक्स आपको कितना था यहाँ पे, एक्स कितना है ये वाला 1, वेरीफाई करना बाकी लोग। सो यहाँ भी ऐसे ही x2 1 है, सो यहाँ जब पुट करोगे आप तो 3 + 1 - 1, तो 3 + 1 आएगी, अच्छा नहीं यहाँ आर माइनस 1 है ना, सो आर माइनस 1 या x, x कितना 1 है, ठीक है, ये क्या लिखेंगे यहाँ पे x2 है ना, x2 का पीएमएफ, अच्छा सॉरी x2 का पीएमएफ अलग है ना, मैं से यहाँ पे x2 का आर 3 है, ठीक है, वहां 2 का 1/3 था x1 का, ओके यहाँ पे क्या है आर हमारा 3 है, तो कितना आएगा 3 + 1 4 - 1 3c1 1 या 2, बात बराबर ही है ना, अरे बराबर बात आंसर वही आएगा 3c1 3c2, उससे सेम ही आंसर आएगा। तो यहां पे चूंकि मैंने जो यूज किया है तो मेरा r यहाँ 3 है ना, तो r को मैं 3 - 1 कितना रखूंगा 2, तो वही बात है। और x जो लोग यहाँ यूज करते हैं क्योंकि ncx ncn - x सेम रहता है, यहाँ x जो लोग यूज करते हैं तो उसके लिए आपका यहाँ पे 1 होता, तो भी आंसर सेम है 3c1 या 3c2, सेम चीज है। और p की पावर यहाँ पे आपके पास है r, q की पावर x, तो r यहाँ 3 है और q की पावर x, x आपका कितना था यहाँ पे 1 है, तो ये x की वैल्यू है और r यहाँ पे रहता है, ये r है नेगेटिव वाला r कॉमा p, इसलिए आपको समझना है कि जो पैरामीटर्स है उसका क्या ऑर्डर है ना, सो n r p, तो एनीवे ये हो गया। अपॉन में आपके पास क्या है यहाँ पे y = 2, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है 5, 1/3, तो r p, तो वहां पे था r plus x, तो 5 + 2 7 - 1 6 + r - 1, तो r माइनस 1 या तो 4 ले लो या ये ले लो 2, बात वही है 6c4 या 6c2, सेम ही आंसर देगा, तो जैसे आपको याद वैसे यूज करो। एंड इनटू p की पावर कितना है r, r कितना है यहाँ पे 3, और सॉरी हम y का लिख रहे हैं ना, तो y में r की वैल्यू 5 है, मतलब ये एक्चुअली यार x1 का अलग डिस्ट्रीब्यूशन, x2 का अलग है, y का अलग है, तो देखना किसका अप्लाई कर रहे हो, x1 का अलग था, x2 का अलग है, y का अलग है, तो y में 5 है, r 5 है और q की पावर x, x यहाँ 2 है, मतलब x मतलब जो y की वैल्यू, इसमें पॉइंट पूछा जा रहा है, ओके, तो फाइनली देख लो। सो फाइनली
कितना आ गया? सो न्यूमरेटर में p की पावर 3 प्लस 2 5 है ना, 5 खत्म, q q q खत्म. सो 2c1 3c2 अपॉन 6c4. एक्चुअली आपने एक चीज नोटिस किया हो कि PQ का कोई रोल नहीं, मैंने PQ यूज नहीं किया ना, मतलब यहाँ, मतलब यहाँ पे देखो PQ के टर्म में लिखा है, तो यहाँ P 1/3 है, यहाँ 1/3 है, यहाँ 1/3 है, उस P को कोई रोल नहीं है. अगर 1/4 भी होता P की जगह तब भी आंसर सेम आता, कहीं इफेक्ट पड़ता क्या? देखो मैंने P कहीं यूज किया क्या? नहीं ना. तो अगर इस P की जगह 1/4 होता तब भी सेम आंसर आता, 1/5 होता तब भी सेम आंसर आता. तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये थ्योरम है, इसका क्या आंसर आएगा. So, ये PMF किस डिस्ट्रीब्यूशन का है कोई बता पाओगे? किसका PMF है ये? एक बॉक्स है जिसमें टोटल 6 आइटम है, 6 आइटम है, दो लेकिन थोड़ा सा अलग है लेकिन ना, हाँ ये अलग है क्योंकि यहाँ सम कितना होना चाहिए था? 6 ना, 6 होना चाहिए था. क्योंकि आपके पास अगर 6 है, 6 में आप 4 ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है, 6 में आप 4 ड्रॉ कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे तो 3 ही हुआ ना, तो कुछ अरेंज करना पड़ेगा यहाँ पे, कुछ आपको प्लस माइनस करना पड़ेगा उसके लिए, बनाने के लिए ना. 64 को मुझे कहीं कहीं 5C3 के टर्म में कुछ लिखना पड़ेगा. लिख सकते हैं क्योंकि है ना, दो एक टाइप का, 3 दो में से ये चूज कर लिए, बाकी में से दो चूज कर लिए, 4 है. सो एनीवे, तो ये थ्योरम इस तरह का आता है, तो ये थ्योरम ही अलग ही, लेकिन ठीक है जब याद नहीं रहेगा तो ये स्टैंडर्ड वो नहीं है, स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बनाएगा ये, है ना. चलिए ठीक है. एनीवे तो ये मैं सीधा थ्योरम दिखा देता हूं क्या है. तो अगर थ्योरम नहीं भी याद है इस तरह सॉल्व कर सकते हो, मेरा ये मतलब कहने का है. और थ्योरम क्या है, रिजल्ट अगर आप देखोगे तो रिजल्ट है कुछ इस तरह से. सो वो थ्योरम कुछ ऐसा है, अरेंज करना पड़ेगा. ये एक्चुअली रिजल्ट ऐसा था कि लेट मतलब थ्योरम लिख देता हूं मैं कि लेट एक्स एंड वाई जो है, सो लेट एक्स बी नेगेटिव बाइनोमियल R1, P एंड देखो समझना में जरूरी है, जितने थ्योरम सर किताब में लिखा हुआ है कहीं ना कहीं, लेकिन आपको समझना जरूरी है. सो X2 इज, सो या एक्स वाई ले लो चाहो तो वाई ले लो, या X1 X2 ले लो, मर्जी है तुम्हारी. चलो अभी इसी टर्म में लिखता हूँ, X1 इज दिस, X2 इज अ नेगेटिव बाइनोमियल R2, P, P कॉमन है, ओके, एंड दे आर इंडिपेंडेंट, दे आर इंडिपेंडेंट, ठीक, दे आर इंडिपेंडेंट. सो फिर से वही, अभी जो मैं पीएमएफ दे दिया, दूसरा वाला पीएमएफ था उसके हिसाब से दूसरा आंसर आता, ठीक है, तो देखना पड़ेगा क्या है. सो नेगेटिव बाइनोमियल एक्स लिखो या आर माइनस वन लिखो, आपकी मर्जी है, पी की पावर आर, क्यू की पावर एक्स, है ना. देन जो कंडीशनल पीएमएफ है ना, कंडीशनल पीएमएफ ऑफ एक्स गिवन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टी, टी कोई नंबर है, ठीक है ना. सो एक्स प्लस वाई टी, मतलब दैट इज प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू एक्स गिवन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टी. इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन आएगा इस तरह से आएगा. सो एक्स प्लस आर वन माइनस वन चूज एक्स, फिर यहाँ पे दूसरा टर्म जो आपके पास आएगा, तो इसको जैसे अभी मैंने क्वेश्चन किया ना उस तरीके से वो प्रूव भी कर सकते हैं. तो क्वेश्चन जैसे आपने प्रूव ही किया क्वेश्चन में, हालांकि क्योंकि यूज तो किया नहीं इसको, तो उसी तरीके से इसको प्रूव भी किया जा सकता है. तो रट्टा नहीं मारना तुम्हें, समझ नहीं, ठीक
क्या मीनिंग है देखना है, तो वैसे ही कैलकुलेट इसको भी कर सकते हैं हम लोग। तो यहां से आ गया हमारे पास t प्लस आर टू माइनस एक्स माइनस वन चूज t माइनस एक्स और अपॉन में टोटल आपके पास है t प्लस आर वन प्लस आर टू माइनस वन चूज t। सो आप फिट कर सकते हो, जो भी डेटा मैंने दिया आप चेक करो, यही आंसर आएगा। ओके इसी में अगर जो इसी में क्या है ज्योमेट्रिक क्या होता है, देखो तुम अगर बोले ज्योमेट्रिक आप जानते हो ऑलरेडी कि मैं आर वन आर टू दोनों को वन रख दूंगा, सो आर वन को वन और आर टू को वन रख दो तो ज्योमेट्रिक हो गया दोनों। सो उस केस में नेक्स्ट थ्योरम अगर लिखूं मैं कि लेट सेम होगा ना, जहां पे आपके पास ज्योमेट्रिक हो जाएगा तो उस केस में क्या आंसर आएगा, अगर मैं इसे थ्योरम को कॉपी कर लूं, सो ज्योमेट्रिक पी एंड x2 भी ज्योमेट्रिक p है, सो दे आर इंडिपेंडेंट, ठीक है, विथ PMF वैसे ही लिख सकते हो, PMF वैसे ही आ जाएगा। सो यहां पे PMF क्या होगा, जस्ट क्योंकि r को वन रख दो क्या, आ जाएगा। तो इस केस में आपका ये जो आंसर होगा, दिस विल बी चेक कर लो 1 बाई टी प्लस 1, वेयर टी कैन टेक वैल्यू 0, 1, अच्छा सॉरी वेयर एक्स कैन टेक वैल्यू ना, सो वेयर एक्स कैन टेक वैल्यू 0, 1, 2 अप टू टी। देखो देर आर टी प्लस 1 पॉइंट्स, एक्स के सपोर्ट में यहां पे जो कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन है उसके सपोर्ट में टी पॉइंट्स हैं, सपोर्ट में टी पॉइंट्स हैं, तो ईच पॉइंट पे इक्वल मास है 1 बाई टी, क्योंकि x से फ्री है ना, इस x से फ्री है, तो ये डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, जो कि आगे पढ़ेंगे। तो ये डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है इस पे। अच्छा ये वाला ज्योमेट्रिक है तो ऐसा हुआ है, अगर दूसरा वाला ज्योमेट्रिक होता तो अगेन यहाँ पे 1 से टी होता तो उसके इसमें 1 बाई टी आएगा। अगर ये वाला ज्योमेट्रिक है ना क्यू की पावर एक्स पी की पावर 1, अगर इसी थ्योरम को मैं दोबारा लिखूं अगर और वहां पे क्यू की पावर एक्स माइनस 1 पी लूं, तो वहां पे तुम्हारे पास क्या आएगा, मैं इसको रिपीट करता हूं कि कंफ्यूजन ना हो। तो इसमें क्या है कि जो नेक्स्ट थ्योरम लिख रहा हूं मैं कि लेट x1 एंड x2 आर आईडी ज्योमेट्रिक p विथ PMF प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू x क्यू की पावर x माइनस 1 इनटू p, x कैन टेक वैल्यू 1 टू दिस। तो ये हो गया नंबर ऑफ ट्रायल रिक्वायर्ड टू गेट फर्स्ट सक्सेस, पिछला वाला पीएमएफ था नंबर ऑफ फेलियर्स टिल फर्स्ट सक्सेस। तो अब आपके पास क्या है, यहां पे आपसे पूछेगा देन द कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन एक्स वन गिवन एक्स वन प्लस एक्स टू बराबर टी हैज डिस्ट्रीब्यूशन, सो मतलब ये कहना चाह रहा हूं दैट इज probability x1 is equal to x given x1 plus 2 is equal to t। अगर इसको प्रूफ करना चाहोगे तो आप प्रूफ कर सकते हो, यहाँ आएगा 1 by just t और x support जो है, क्योंकि यहाँ x distribution x1 का ही निकल रहा है, distribution इसका ही है given under this condition, तो जो conditional distribution वाला a given भी है, a का ही हम लोग distribution निकाल रहे हैं वहाँ पे, या जो भी है x इसका ही निकाल रहे हैं under this condition, so
जीरो वन टू अप टू टी तक, नहीं यहाँ जीरो से स्टार्ट नहीं होगा ना, क्योंकि यहाँ सपोर्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है एक्स वन का, वन से ना, तो यहाँ पे एक्स विल टेक वैल्यू वन टू थ्री अप टू टी, चलो टी या टी माइनस वन आई थिंक, ओ वन मिनट, एक्स वन प्लस एक्स टू टी होने के लिए एक्स वन की क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं? हाँ, तो यहाँ t माइनस वन, इसे मैंने कल लिख सेव कर लिया ना, सो ये t माइनस वन तक ही होगी, सो क्योंकि x1 प्लस x2, x1 x2 दोनों की मिनिमम वैल्यू 1 है, क्योंकि दोनों का कॉमन पीडीएफ पीएमएफ है, तो x1 x2 दोनों का मिनिमम वैल्यू 1 है, तो ये अगर x1 मिनिमम 1 हो सकता है, x2 को t माइनस 1 होना पड़ेगा, x2 मिनिमम 1 हो सकता है, x1 t होता ना, तो यहाँ पे 1 2 3 अप टू t माइनस 1 तक जाएगा, तो यहाँ पे अब t माइनस 1 आएगा, है ना, देयर आर t माइनस 1 पॉइंट्स, तो है ना, ये मैं यूज करूंगा आगे, क्योंकि ये इस तरह के क्वेश्चंस सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, आपको याद है दोनों ज्योमेट्रिक है, तो इन दैट केस x गिवन x plus y will be uniform, तो ये डिस्क्रीट यूनिफॉर्म है, इसको बोल सकते हो दैट इज x1 गिवन x1 plus x2 is equal to t has discrete uniform distribution, तो ये आगे लिखूंगा, लेकिन अभी बस नाम यूज कर लेता हूं और बाद में डिफाइन करूंगा, डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, यूनिफॉर्म डिस्क्रीट भी होता है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस भी होता है, तो डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑन सेट, तो यहां पे जो सेट है 1 2 3 अप टू t माइनस 1 तक, तो इस सेट पे यूनिफॉर्म है, मतलब हर पॉइंट पे इक्वल मास है, ये मतलब हुआ, सो जितने पॉइंट्स हैं तो 1 अपॉन दैट, ये हो गया, यहां भी हम वो यूज कर सकते थे, तो यहां भी ये डिस्ट्रीब्यूट है ना, यहां भी लिख सकते हैं दैट इज ये जो x1 given x1 plus x2 is equal to t has discrete uniform distribution, discrete uniform distribution on set आपके पास है 0 1 2 up to t, there are t plus 1 points जिसपे uniformly distributed है, तो each point has equal mass, तो एक point पे mass 1 by t plus 1 आया, जो कि discrete uniform आगे define करेंगे, So, अभी चल रहा है ज्योमेट्रिक एंड नेगेटिव बाइनोमियल, है ना, आज तो ये ज्योमेट्रिक के लिए है, हालांकि यही थ्योरम आएगा अभी पॉइजन के लिए, है ना, पॉइजन रहेगा तो ये बाइनोमियल हो जाए, नहीं पॉइजन में क्या हो जाता है, बाइनोमियल, हाँ बाइनोमियल होता है ना, हाँ अगर ये पॉइजन होगा तो बाइनोमियल हो जाएगा, तो ये थ्योरम रिपीट होगा आगे फिर से, सो ये वहां पे कहीं राव ब्लैकवेल थ्योरम यूज करते वहां पे आता है, कई बार दे रखा होता है तो ये यूज हो जाता है, या वो वाला यूज होता है, जो मैं नेगेटिव बाइनोमियल आपने नंबर ऑफ फेलियर्स के लिए कराया है और वो नंबर ऑफ ट्रायल्स रहता तो, हां तो वो देखना पड़ेगा, क्योंकि सो यहां पे हमने नंबर ऑफ फेलियर्स वाले के लिए लिखा है, नंबर ऑफ ट्रायल्स वाले के लिए हमें डिराइव करना पड़ेगा, सो ये तो क्वेश्चन था ये वाला ना, पहला वाला जो था, अरे कहां गया, आ गया, तो हां ये वाला है, अगर होता तो क्या होता, क्वेश्चन ये है, तो यहां भी एक्चुअली क्या डिफरेंस आएगा, तुम सोचो क्या डिफरेंस आना आएगा, x माइनस 1 से r माइनस 1 रहता वहां पे, तो x माइनस 1 की जगह x हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है यहां पर जाएगा x प्लस r1 चूज x, और यहां भी मतलब x माइनस 1 की जगह व्हाट आई थिंक सॉरी x को x माइनस 1 रख दोगे ना, तो डिराइव करना पड़ेगा, सो इस बुक में लिखा नहीं है तो मुझे डिराइव करना पड़ेगा, सो इस बुक में जो इन्होंने लिखा है ये जस्ट एक के लिए लिखा है, ये मुझे याद इसलिए पहला वाला आया क्योंकि पिछले बार वहां पे प्रॉब्लम हुआ था बच्चे को, ना कोई कह रहा था 1 / t माइनस 1 होगा, कोई t होगा, कोई t होगा, तो वो मुझे याद आया, इसका हमें डिराइव करके देखना पड़ेगा, ट्राई करके चलो कर लेते हैं डिराइव, सो अगर डिराइव करें तो क्या होगा देखो, सो नेक्स्ट थ्योरम जो तुम कह रहे हो उसके हिसाब से डिराइव करके, बुक में नहीं लिखा है वो, तो मुझे ड्राइव करना पड़ेगा, सो ड्राइव करते हैं, सो यहाँ पे क्या आएगा कि लेट हमारे पास x1 जो है, मतलब थ्योरम तो वही रहेगा, x1 इज नेगेटिव बाइनोमियल r1 कॉमा p एंड x2 इज नेगेटिव बाइनोमियल r2 कॉमा p एंड दे आर इंडिपेंडेंट, ठीक है, विथ जो PMF of negative binomial या where PMF of negative binomial R, P is, so यहां पे जो हम PMF यूज करने वाले हम ये
नंबर ऑफ ट्रायल वाला यूज करने वाले हैं ना, अभी हम जो यूज कर रहे थे वहां पे क्या यूज कर रहे थे, नंबर ऑफ फेलियर वाला। सो यहाँ हमने नंबर ऑफ फेलियर वाला यूज किया। अच्छा x प्लस आर, अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन तो इजी है ना, एक मिनट, तुम्हारा क्या होता है यहाँ x प्लस आर को तुम क्या करते हो, x प्लस आर को y पकड़ लेते हैं है ना, हाँ तो y रख लेते हैं, तो क्या होगा जहां जहां x प्लस आर वन है उसको क्या करोगे, तो आएगा कुछ, तो यहाँ तो आ जाएगा लेकिन यहाँ पे आर वन माइनस वन रहेगा, फिर इसको सब ट्रैक करोगे तो आर टू माइनस टू रहेगा, सही लिखा ना हमने, तो t प्लस आर वन, ड्राइव करके देखते हैं क्योंकि ऐसे गेस करना, ऐसे हम ट्रांसफॉर्मेशन तो हम जानते हैं लेकिन वहां भी करना पड़ेगा फिर दोनों में ना, ठीक है चलो करके देखते हैं। सो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास पी एम एफ है x माइनस वन चूज आर माइनस वन, यही है, और p की पावर कितनी होती है r, q की पावर कितना x माइनस आर, ठीक है हाँ, और x कैन टेक वैल्यू फ्रॉम r, r प्लस वन डॉट 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 डॉट। तो हमने ज्योमेट्री में ये तो कर दिया क्योंकि r को वन रख के तो वहां दिख गया वहां पे, बट इसको देखते हैं क्या आता है। तो आएगा हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी x1 इज इक्वल टू x गिवन x1 प्लस x2 इज इक्वल टू t, ये हमें चाहिए, ठीक है, तो ये तो लिखना है, तो प्रूफ हम अगले पेज पे कर लेते हैं। सो हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी x1 इज इक्वल टू x गिवन x1 प्लस x2 इज इक्वल टू t, तो सिंपली जैसे हमने क्वेश्चन सॉल्व किया वैसे ही हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी x1 इज इक्वल टू x मैं डायरेक्टली कर देता हूँ और x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी t माइनस x, ये ना न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में x1 प्लस x2 इज इक्वल टू t, ओके चलो। सो अब यूज कर लो पीएमएफ, तो x1 इज इक्वल टू x का पीएमएफ क्या होगा बताओ, x माइनस वन चूज r माइनस वन, लेकिन r1 अलग था ना, r1 r2, तो यहाँ r1 माइनस वन यही होगा इंटू, बोलो भाई कितना, p की पावर r, q की पावर x माइनस आर वन, ओके x2 के लिए तो यहां पे तुम्हारे पास है t माइनस x माइनस वन, जहां पे वो x है उससे t माइनस x यूज करो, सो t माइनस x माइनस वन, यहां पे चूज r2 माइनस वन, p की पावर r2, तो यहां पे r1, ठीक है ना, और q की पावर कितना माइनस आर टू, है ना, डिफरेंस आ जाता है q की पावर में, ओके अपॉन, अब यहां तुम्हारा सम ऑफ x1 प्लस x2 कितना आ जाएगा यहां से, ये तो बताइए, x1 प्लस x2 r1 प्लस r2, हाँ नेगेटिव आएगा मतलब r1 प्लस r2 कॉमा p, तो यहां आ जाएगा t है, सो t माइनस वन, यहाँ t है ना, मान लो ये y है, सपोज y बराबर t, y का डिस्ट्रीब्यूशन है नेगेटिव बाइनोमियल r1 प्लस r2 कॉमा p, सो t माइनस वन चूज r1 प्लस r2 इसका पैरामीटर है, ठीक है ना, माइनस वन p की पावर r1 प्लस r2, ठीक है ना, इसको r लेके चलो, r1 प्लस r2 अभी मान लो r है, तो उस केस में क्या होगा, सो दिस r एंड q की पावर डिफरेंस उसका, सो t माइनस r1 माइनस r2, ठीक, अब देख लो ये कट जाएगा, p की पावर r2, p की पावर r1, p की पावर r1 प्लस r2, q की पावर x माइनस r1, q की पावर t माइनस x माइनस r2, तो x x कैंसिल, सो t माइनस है ना, तो ये और ये मिलके इसको कैंसिल कर दिया, तो बचा गया, सो देखो अब बचा गया, सो वी हैव यहां पे आया x माइनस वन चूज आर वन माइनस वन, है ना, फिर t माइनस x माइनस वन चूज आर टू माइनस वन अपॉन t माइनस वन, ठीक, अच्छा तो यहां तुम अगर उसको है ना, ये माइनस वन है हालांकि, सो और कितना आ गया यहाँ पे r1 प्लस r2 माइनस 1, ये आ गया, ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया,
ओके चलो। सो वैसे यहाँ पे भी ऐसे ही था, थोड़ा बस वो अलग था टी प्लस। यहाँ पे शायद ये एग्जैक्टली हाइपरजोमेट्रिक बन जा रहा है। नहीं यहाँ भी दिक्कत ये आएगा तुम्हें, क्योंकि वहां पे सम तो एटलीस्ट टी हो रहा था, यहाँ यहाँ नहीं पहुंचेगा। जो देखो यहाँ हमारे पास क्या आया है, आर वन माइनस वन, सॉरी एक्स माइनस वन आर वन माइनस वन, फिर टी माइनस एक्स माइनस वन आर टू माइनस वन, और यहाँ है टी माइनस वन आर वन प्लस आर टू माइनस वन, ऐसा है। अब देखो इसको, तो उसके लिए क्या होता है, इन दोनों का सम कितना है, आर वन प्लस आर टू माइनस, लेकिन यहाँ पे यहाँ नहीं है, है ना। इसमें इतने आइटम मतलब पहले से ड्रॉप किए, इतने दूसरे ड्रॉप किए टाइप से, और टोटल इतने ड्रॉप किए, तो वो नहीं यहाँ पहुंच रहा है ना। और यहाँ सम करोगे तो आएगा टी माइनस टू आ जाएगा, है ना। अच्छा इसको वेरीफाई करने के लिए तुम, हमने थ्योरम तो लिख ही रखा है इसका स्पेशल केस, आर वन आर टू दोनों को वन रख के देखो क्या आता है। मैं ही बोल रहा हूँ, सो व्हेन, हालांकि अगला थ्योरम है ना, वो तो हम लिख ही रखा है हमने ना, सो व्हेन आर वन इज इक्वल टू आर टू इज इक्वल टू वन, मतलब इस नेगेटिव बाइनोमियल को ज्योमेट्रिक बना देते हैं, तो ज्योमेट्रिक पी ज्योमेट्रिक पी, तो उस केस में ये जो प्रोबेबिलिटी है, जो कि पहले थ्योरम मैं लिख चुका हूँ, क्योंकि ये मुझे याद है लास्ट क्लास लास्ट टाइम ये क्वेश्चन सॉल्व कराया था, तो वो मुझे याद था इसीलिए। सो एक्स वन गिवन एक्स और एक्स वन प्लस एक्स टू इज इक्वल टू टी, तो इसका आया वन अपॉन टी माइनस वन, एंड एक्स कैन टेक वैल्यू वन टू अप टू टी माइनस वन ओनली, ठीक है ना। तो ये हमने पिछले पेज पे लिखा चुका हूँ ये थ्योरम, इसका मतलब है कि बोथ आर ज्योमेट्रिक, इसका मतलब ये हुआ कि x1 एंड x2 आर IID ज्योमेट्रिक, ज्योमेट्रिक P, ठीक। तो ये मतलब है कि x1 x2 दोनों IID ज्योमेट्रिक P है, ओके। सो ये थ्योरम वही है जो नेक्स्ट वाला था यहाँ पे, ये यही वाला थ्योरम है जो पिछला लिखा है, ये वही, इसका स्पेशल केस ये है, ये स्पेशल केस है, और ये जनरलाइज केस हो गया, ये वाला ये स्पेशल केस हो गया, और वहां दोनों एक साथ लिखा है ना, तो ये जनरल केस है, ये स्पेशल केस था, बात बराबर ही है, ओके ठीक है। सो बस ये कई बार इस पे क्वेश्चन आते हैं, तो तुम्हें ध्यान रखना है कि यहाँ टी प्लस वन या टी माइनस वन है, तो डिपेंड करता है इसके हिसाब से डिसाइड हो जाएगा एक्स वन प्लस बराबर टी से। चलिए तो नेक्स्ट, तो अभी हमने कुछ थ्योरम डिस्कस किए हैं, मोडुलस प्रॉपर्टी क्या होता है, मेमोरीलेस प्रॉपर्टी, ये मेमोरी है ना, और क्या नाम है, और नाम से बुलाते हैं, क्या स्टेटमेंट है इसका, नो ले नो मेमोरी है, मेमोरी लैक, मैंने लेस लिखा है ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, मेमोरी लैक हाँ, या विदाउट मेमोरी इस तरह से, क्या बोलता है, कोई रैंडम वेरिएबल के पास, सो अ रैंडम वेरिएबल हैज मेमोरीलेस प्रॉपर्टी। अब इसको डिफाइन कर रहा हूं मैं ना, इफ एंड ओनली, क्या डेफिनेशन है, कोई बताओ क्या डेफिनेशन है इसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन n गिवन x ग्रेटर देन m equals to probability of x greater than m minus m,
सो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो इससे थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं. सो एन एम कर की जगह मान लो, हाँ ठीक है. सो दिस मोर देन टी, दिस मोर टी प्लस एस, यहीं पर तुम्हारा ऐड कर दिया मैंने. सो क्या प्रोबेबिलिटी एक्स विल बी मोर देन टी, अच्छा एक मिनट, यहाँ होगा ना, ये तो गिवन होगा. सो क्या तुम्हें दे रखा है कि एक्स इज मोर देन एस मान लो, है ना. सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग टी प्लस एस, ये ना है ना, तो यहाँ हो जाएगा. ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी तुम्हारे पास, लेकिन यहाँ पे ये इक्वालिटी भी लगा रहा है. क्यों? क्योंकि है ना ये मोर देन स्ट्रिक्टली है, तो इट मे बी इक्वल टू टी. डेफिनेशन में ठीक है, तुमने स्ट्रिक्ट लिया ना, तो x मोर देन s है. जैसे मान लो x मोर देन 1 है और x प्लस y मोर देन 2 है, तो व्हाट कैन यू से अबाउट y, इसका इंटरसेक्शन बताओ. मोर देन वन जरूरी है, इक्वल टू वन हो सकता है कि नहीं, चेक करो. नहीं हो सकता ना. अच्छा तुम्हें दे रखा है दिस, सो एक्स मोर देन, सॉरी मैं उल्टा वो लिख रहा हूँ, मुझे तो x प्लस वाई नहीं करना, मुझे ऐसा करना है कि x मोर देन 1 प्लस 2 है ना. मैं बोल रहा हूँ तुम्हें पता है, दिस इज गिवन x मोर देन दिस. सो क्या इसका मतलब क्या है, नहीं मैं इससे रिलेट नहीं कर पा रहा, मैं कुछ और डिराइव करना चाह रहा हूँ. जैसे मान लो हमारे पास क्या है, ये x is strictly more than s तुम्हें गिवन है ना, और x बोल रहा है x will be more than t plus s. क्या प्रोबेबिलिटी है x being more than t plus s, तो ठीक है ना. दोनों तरफ अगर तुम s ऐड करते हो तो t plus s more than equal to this. हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके जैसे x मोर देन इक्वल टू t है और x प्लस s मोर देन इक्वल टू t प्लस s होगा, दिस इज मोर देन जस्ट क्या s. हाँ anyway, कहने का मतलब इसको मैं अभी जस्टिफाई नहीं कर पा रहा हूं इससे, बट यहां से तुम रिलेट करोगे कि x s से एग्जैक्टली ज्यादा है और यहां x s प्लस t से ज्यादा है, तो t तुम अगर x और t में भी है ना, वहां पे x में भी मोर देन इक्वल टू t होगा. सर यहां पे शायद x ग्रेटर देन इक्वल टू t प्लस s होता है. कहां पे? फर्स्ट कंडीशन में सर. हां एक्चुअली डिस्क्रीट है, तो अच्छा प्रूव करके देख ले इसको, तो इजीली दिख जाएगा. यहां पे तो इन्होंने यूज नहीं किया है. x more than m है तो x may be more than equal to, है ना, x may be more equal to 1. अच्छा जो मैं verify करना चाहता हूँ उससे मुझे आइडिया आ रहा है कि अगर मैं s को 0 रख दूँ तो क्या होगा, x more than 0 given x more than t plus s. So 0 तो ठीक है, may be है, मुझे लगता है कि मोर देन इक्वल टी होगा. मैं ये बोलना चाह रहा हूँ एक्स मोर देन इक्वल टू टी प्लस एस, इसका इंटरसेक्शन लू मैं अगर एक्स मोर देन एस के साथ, तो क्या आएगा इंटरसेक्शन इसका, लेकिन यहाँ मेमोरी को लॉस करना है ना. अच्छा मेमोरी लॉस हो रहा है, यहाँ अलग कॉन्सेप्ट है. मैं सॉल्व इसको प्रूव करके देख लेते हैं तो ईजी हो जाएगा. अरे ये तो डेफिनेशन लिखा हूँ, सॉरी प्रूफ तो ज्योमेट्री के लिए होगा, अभी तो डेफिनेशन का प्रूफ थोड़ी होता है. सो ये तो हमने मेमोरी लेस की डेफिनेशन लिखी है, अभी प्रूफ इसको करेंगे ज्योमेट्री के लिए. तो अभी एक बार ज्योमेट्री मैं लिखता हूँ थ्योरम, फिर उसको अप्लाई करते हैं. सो ये मेमोरी लेस की प्रॉपर्टी है, ठीक है ना. अब थ्योरम लिखता हूं मैं. सो थ्योरम है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, ठीक है. ये डेफिनेशन तो कॉन्टिन्यूअस के लिए भी ओके है, हालांकि कॉन्टिन्यूअस इफेक्ट नहीं पड़ता, इक्वालिटी का डिस्क्रीट में पड़ सकता है, तो वो देखना है तुम्हें.
तो अभी प्रूफ से दिख जाएगा ना. सो अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स हैज मेमोरीलेस प्रॉपर्टी दैट इज प्रोबेबिलिटी एक्स मोर देन टी प्लस एस गिवन, या एम प्लस एन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. सो एक्स मोर देन एस, सो यहां से आएगा तुम्हारे पास. सो दैट इज, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी एक्स मोर देन टी प्लस एस गिवन एक्स मोर देन एस, सो इक्वल टू होगा एक्स मोर देन इक्वल टू टी इफ एंड ओनली इफ, क्या लिखो आगे, बताओ व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स देन, ज्योमेट्रिक है ना. सो एक्स हैज ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, सो एक्स हैज ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन. अब इसका प्रूफ देखते हैं तो इससे क्लियर हो जाएगा. ठीक है सर, डिस्क्रीट में इक्वालिटी कैसे लगेगा फिर? तो अगले पॉइंट से स्टार्ट करेंगे. कहाँ पे इक्वालिटी कैसे लगेगा, यहाँ पे? हाँ सर, चेक करते हैं, देखो ना यहाँ से स्टार्ट करते हैं. सो मैं ज्योमेट्रिक लेता हूँ, इसको सॉल्व करता हूँ, देखता हूँ किसके इक्वल आता है, इक्वल टू आएगा विदाउट इक्वल टू आएगा. सो देखो मैं स्टार्ट करता हूँ, लेट एक्स हैज ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, ज्योमेट्रिक पी डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, सो इसका क्या मतलब है, कौन सा वाला पी एम एफ ले यहाँ पे, तो जनरली लोग कौन सा कंसिडर करते हैं? सो ज्योमेट्रिक पी, सो इन्होंने कैसे सॉल्व किया है, पी की पावर के, अच्छा के, फेलियर वाला है ना, जनरली लोग फेलियर वाला प्रेफर करते हैं, मतलब जो दिन दिया होता है नेगेटिव आने वाले भी और ज्योमेट्रिक में भी, है ना. सो ये ले लो क्यू की पावर एक्स इंटू पी, एक्स की वैल्यू 0, 1, 2 डॉट डॉट डॉट, है ना. सो नंबर ऑफ फेलियर बिफोर फर्स्ट सक्सेस, है ना, ये वाला पी एम एफ लिया हमने. सो अब मुझे काउंट करना है प्रोबेबिलिटी एक्स मोर देन टी प्लस एस गिवन एक्स मोर देन एस, ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना. सो यू हैव टू फाइंड दिस प्रोबेबिलिटी. आज इन्होंने एम को वन रख के प्रूव कर दिया है कि विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी. बताओ तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं क्या होगा. सो प्रोबेबिलिटी एक्स मोर देन टी प्लस एस, अभी जो हम ढूंढ रहे थे अब यही करना पड़ेगा, एक्स मोर देन एस अपॉन प्रोबेबिलिटी एक्स मोर देन एस, है ना. सो यहां से तुम कॉम्प्लीमेंट भी अलग ले सकते हो. सो क्या आएगा अब बताओ, न्यूमरेटर में इंटरसेक्शन क्या आना चाहिए, T प्लस एस से भी ज्यादा है, एस से भी ज्यादा है, इसका क्या मतलब हुआ? यहां है T प्लस एस और यहां है S. सो मोर देन S भी है, मोर देन T प्लस एस भी है, इंटरसेक्शन क्या है? ठीक है ना, मोर देन, ये कॉमन पोर्शन है, तो न्यूमरेटर में होगा कि X इज मोर देन T प्लस एस अपॉन प्रोबेबिलिटी X मोर देन S. अच्छा ये मुझे वहां पे ये मैं ट्राई कर रहा था ना, डिवाइड करना था. ओके सो बताओ प्रोबेबिलिटी एक्स मोर देन टी प्लस एस, तो इसका क्या मतलब हुआ, किस किस पॉइंट प्रोबेबिलिटी निकालोगे? टी प्लस एस प्लस वन से लेकर, यस, तो एक्स बराबर टी प्लस एस प्लस वन, फिर एक्स बराबर टी प्लस एस प्लस टू, डिस्क्रीट है ना ये, इसीलिए अपॉन प्रोबेबिलिटी यहां एस प्लस वन से स्टार्ट करेंगे, एक्स बराबर, अब वो जो ढूंढ रहा था वो अब मिल जाएगा, इक्वल टू आएगा कि नहीं आएगा. सो एस प्लस वन एक्स बराबर एक्स प्लस टू डॉट 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 पुट करो, तो जो पी एम एम लिया उसके हिसाब से पुट करो क्या आएगा. सो यहां से आपके पास आएगा कितना, क्यू की पावर एक्स ही है ना, डायरेक्टली एक्स रख रहे हैं,
सो टी प्लस एस प्लस वन इंटू पी. सिमिलरली क्यू की पावर टी प्लस एस प्लस टू इंटू पी डॉट 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 चलता रहेगा अपॉन क्यू की पावर एस प्लस वन इंटू पी क्यू की पावर एस प्लस टू इंटू पी चलता रहेगा, है ना, इस तरीके से. सो तो यहां से क्या आएगा, देखो न्यूमरेटर में कॉमन क्या आएगा, एस प्लस वन बाहर कर लो, मतलब यही पूरा बाहर हो जाएगा ना. यहां पे है तुम, अच्छा क्यू की पावर टी इंटू पी बाहर करो न्यूमरेटर में. सो क्यू की पावर टी इंटू पी बाहर करो तो क्या बचेगा यहां पे, देख लो आप. नहीं, जस्ट क्यू की पावर टी इंटू पी बाहर करना, चेक करो क्या बचेगा. पी 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 तो कैंसिल हो गया. क्या बचेगा एंड में, वही पूछ रहा हूँ. क्यू की पावर टी जस्ट बचेगा ना, क्यू की पावर टी कॉमन लो न्यूमरेटर से, तो ये कैंसिल हो गया, जस्ट क्यू की पावर टी. अब ये बताओ ये क्या है, दिस प्रोबेबिलिटी इज व्हाट, प्रोबेबिलिटी एक्स मोर देन इक्वल टू टी है या मोर देन टी है, क्वेश्चन ये है. तो देखो यहां निकाल देता हूं, प्रोबेबिलिटी एक्स मोर देन इक्वल टू टी निकालोगे सो मतलब एक्स बराबर टी प्लस एक्स बराबर टी प्लस वन डॉट 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 डॉट. तो ये हो गया तुम्हारे पास q की पावर t इंटू पी क्यू की पावर t प्लस वन इंटू पी एंड डॉट 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 इनफिनाइट सम है. तो इनफिनाइट सम क्या होता है, a अपॉन वन माइनस r, a अपॉन वन माइनस r, r कितना है q, सो कितना आ गया q की पावर t, देखो सो मोर देन इक्वल टू t है. अगर तुम इक्वलिटी यहां हटाओगे तो क्या आंसर आएगा, इक्वलिटी हटा दिया तो पहला टर्म नहीं रहेगा ना, तो फिर क्या आएगा, चेक करो, ठीक है ना. सो अगर तुम ये फाइंड करते हो, जस्ट इफ यू, ये आया q की पावर t, अगर तुम फाइंड करते हो प्रोबेबिलिटी, ठीक, सो व्हेन यू फाइंड प्रोबेबिलिटी x स्ट्रिक्टली मोर देन t, तो स्ट्रिक्टली मतलब t प्लस वन से स्टार्ट होगा, तो इसका a होगा q की पावर t प्लस वन इंटू पी ए अपॉन वन माइनस आर. So q minus q is p only, तो ये q की पावर t प्लस वन आएगा, ठीक है, तो ये इक्वालिटी यहाँ पे आएगा इसके लिए. ओके, देख लीजिए बारी. सो सो ये हो गया मोडुलस प्रॉपर्टी की, लाइक ये तो डेफिनेशन लिख रहा था मैं, अब ये वाला प्रॉपर्टी कोई डिस्ट्रीब्यूशन सेटिस्फाई करेगा तो ज्योमेट्रिक ही होगा, ज्योमेट्रिक है तो सेटिस्फाई करेगा. तो एक ही ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है ना, वो है हमारा ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट में. और कॉन्टिन्यूअस में कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, गामा सर, नहीं गामा नहीं, गामा जनरलाइज्ड हो गया, एक्सपोनेंशियल. एक्सपोनेंशियल इज अ पर्टिकुलर केस ऑफ गामा, जैसे अभी आपने देखा ज्योमेट्रिक इज अ स्पेशल केस ऑफ नेगेटिव बाइनोमियल, इन अ सिमिलर वे एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ स्पेशल केस ऑफ गामा डिस्ट्रीब्यूशन. सो गामा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो नहीं करता इसको, एक्सपोनेंशियल फॉलो करता है. सेम नेगेटिव बाइनोमियल विल नॉट फॉलो दिस, नेगेटिव बाइनोमियल इज अ जनरलाइज्ड केस, गामा सॉरी क्या नाम है, ज्योमेट्रिक इज अ स्पेशल केस. सो ज्योमेट्रिक सेटिस्फाइज मोडुलस प्रॉपर्टी, और एनी डिस्ट्रीब्यूशन दैट सेटिस्फाई मोडुलस इज ज्योमेट्रिक ओनली, सेम थिंग फॉर द कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन. सो एक्सपोनेंशियल सेटिस्फाई मोडुलस, इफ एनी डिस्ट्रीब्यूशन सेटिस्फाई मोडुलस इट इज कॉन्टिन्यूअस देन इट इज एक्सपोनेंशियल ओनली. So, यहां लिखा है इसलिए डिस्क्रीट की बात किया, कोई डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन जो सेटिस्फाई करेगी इसको वो ज्योमेट्रिक ही है, ठीक है. ओके, आगे देखते हैं. तो हमारे पास थ्योरम तो हो गए, काफी रिजल्ट्स हैं. अब देखो ये रिजल्ट्स जो है रट्टा मारेगा, इसमें क्वेश्चन एक्चुअली डिफरेंट, अब क्वेश्चन बनाए जाते हैं, क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे तो उस बीच में मिलता रहेगा, फिर जब यूज करेंगे अच्छा वो थ्योरम यूज हुआ ये हुआ था ना, ऐसे एक एक क्वेश्चन बनाऊंगा टाइम लग जाएगा काफी. So, इसी पे एग्जाम्स में क्वेश्चन फ्रेम होंगे डिफरेंट थ्योरम्स पे, उसी पे क्वेश्चन वो कोई नया फ्रेम कर देगा जहां ये रिजल्ट यूज हो रहा होगा. तो आप तो रिवाइज करते रहो फ्रीक्वेंटली, फिर क्वेश्चंस करते रहोगे इस पे बेस, तो खुद ही होता रहेगा, ठीक है. मैं अगले क्वेश्चन आगे से स्टार्ट करता हूँ, नेक्स्ट क्लास से नया डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करता हूँ, हालांकि एक दो थ्योरम और है बस, तो लिख लो इसको, ज्योमेट्रिक खत्म कर लेते हैं आज, फिर क्वेश्चन रह जाएगा नेक्स्ट क्लास में. तो ज्योमेट्रिक पे दो और थ्योरम लिख लो जस्ट,
सो यहाँ इसके लिए मुझे फिर वो बताना पड़ेगा, ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स पे बेस्ड है ये, तो उसके लिए ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स बनाना पड़ेगा, पहले एक बार बैकग्राउंड देना पड़ेगा ना, तभी ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। हालांकि जो भी है मैं यूज करके लिखा दूंगा, क्योंकि बाद के लिए छोड़ेंगे, बाद कभी नहीं आएगा फिर। सो इससे अच्छा है ये भी ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स एक बार बता दूंगा क्या होता है, फिर इससे रिलेटेड थ्योरम्स लिख लेंगे, ताकि बाद में जब रिविजन में बता रहे होंगे तो समझ आएगा कि हाँ, या अभी बाद में दोबारा डिटेल में आएगा ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, सो उसमें यूज करेंगे सैम्पलिंग से पहले। ठीक है चलो, इसको नेक्स्ट क्लास में करते, क्योंकि उसके लिए मुझे ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स बताना पड़ेगा। सो आई थिंक चलो आज यही स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू। आज हमने क्या किया, नेगेटिव बाइनोमियल और ज्योमेट्रिक पे ज्यादातर रिजल्ट ही किए, एक दो क्वेश्चन किए हैं, और क्वेश्चन अगर करना चाहो तो कर सकते हैं, लेकिन ठीक है टाइम भी हो गया और रह देते हैं आज। तो नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करता हूं मैं, ठीक है ना। आज क्या 4th जुलाई। चलिए थैंक यू एंड गुड नाइट, ठीक है सर। जी बोलिए।